Very, very good morning to all of you. Now let's take up next part. Haji, please, page number 90. पेज नंबर 90 हम डिस्कस कर रहे थे गिफ्ट सेक्शन था 56 to 10 टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट वी वर डिस्कसिंग कुछ पार्ट डिस्कस किया था बैलेंस पार्ट डिस्कस करना है क्या पार्ट डिस्कस किया था कैश में गिफ्ट मिले पूरे साल में सबसे मिला के 50,000 तक तो उससे कोई खास बात नहीं छोटा मोटा अमाउंट है जाने दो रख लो कोई टैक्स नहीं चाहिए अगर 50 से ज्यादा है तो फिर ये बड़ा अमाउंट है फिर आप टैक्स दो 50 से ज्यादा 51,000 तो 1,000 पे टैक्स दो था ऐसा या 51,000 पे टैक्स दो या 1,000 पे दो या 51,000 पे दो कितने स्टूडेंट को ध्यान आ रहा है 1,000 पे टैक्स देना था कितने स्टूडेंट को ध्यान आ रहा है 51,000 पे टैक्स देना था और कितने स्टूडेंट है जिनको कुछ ध्यान नहीं आ रहा ठीक है 51,000 सारा याद रखना 50 क्रॉस किया लिमिट क्रॉस की एंटायर अमाउंट इज टैक्स बेटर था ऊपर का टैक्स कर देते पर गवर्नमेंट से मान लो किसी को 50,00,000 का गिफ्ट मिला फिर 50,000 वो भी छोड़ देता 50,00,000 क्यों छोड़ दे इसलिए उन्होंने कहा बस 50 क्रॉस किया सारा टैक्स फिर काइंड वाले का टोटल अलग कर लो उसका 50 अलग एग्जम्प्ट है फिर लैंड बिल्डिंग को अलग से चेक कर लो उसका 50 अलग एग्जम्प्ट है और लैंड बिल्डिंग में एग्रीगेट मत करना इंडिविजुअल लैंड बिल्डिंग को देखना ठीक ऐसे ही था ना लैंड बिल्डिंग में मार्केट वैल्यू नहीं होती रियल लाइफ में भी आप सेल परचेज करोगे कोई मार्केट वैल्यू के बारे में नहीं पूछेगा रजिस्ट्रार ऑफिस जाओगे रजिस्ट्रार में से स्टैंप ड्यूटी वैल्यू सर्कल रेट की बात करेंगे हम इससे कम में नहीं बेचना इससे ज्यादा में कितने में बेच दो मार्केट वैल्यू का कंसेप्ट लैंड बिल्डिंग में है ही नहीं ठीक है फिर एक पार्ट था गिफ्ट अगर रिलेटिव से मिला है रिलेटिव तो भाई अपना घर का पैसा घर में है तो उसे चलो जाने दो फिर रिलेटिव की एक लंबी लिस्ट थी स्पाउस ब्रदर सिस्टर स्पाउस ओन ब्रदर सिस्टर लीनियर असेंडेंट लीनियल डिसेंडेंट अपने भी स्पाउस के भी ठीक है वगैरह वगैरह उसके आगे का पार्ट हमने करना है तो एक बार पेज 90 पे रिलेटिव की लिस्ट में जल्दी से नजर लगा लो आगे चलते हैं ठीक है अब इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट इफ एनी पर्सन हैज रिसीव्ड एनी गिफ्ट फ्रॉम एनी पर्सन ऑफ एनी अमाउंट ऑन द ओकेजन ऑफ हिज और हर मैरिज मैरिज पर किसी पर्सन को किसी से भी कितने भी अमाउंट का गिफ्ट मिले ये एग्जम्प्ट रहेगा कोई कंडीशन नहीं है बिकॉज मैरिज लाइफ में बार बार नहीं होती तो उसे इसलिए हम आपके साथ हैं एक बार गिफ्ट ले भी लिया तो कोई बात नहीं मैरिज पर वैसे भी ट्रेडिशन है बड़े बड़े गिफ्ट देने का इफ गिफ्ट इज रिसीव्ड बाय द पेरेंट्स ऑफ सच इंडिविजुअल इन दैट केस विल बी टैक्सेबल इफ एनी इंडिविजुअल गिफ्ट ऑन द ओकेजन ऑफ एनिवर्सरी इट विल बी टैक्सेबल देखिए 50,000 का कंसेप्ट जनरल कंसेप्ट है स्पेशल क्या नंबर 1 रिलेटिव वाला टोटली एग्जम्प्ट है नंबर 2 ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज
मैरिज पर इंडिया में क्या, दुनिया में ट्रेडिशन है भाई, सब लोग गिफ्ट देते हैं, रिलेटिव ना हो तो क्या, तो भी गिफ्ट देते हैं। बर्थडे तो हर साल आना है, मैरिज का हर साल आनी है। देयर आर मेनी ओकेजन्स जो हर बार हर साल आएंगे, मैरिज तो लाइफ में एक बार आई है। तो उससे अगर थोड़ा बहुत टैक्स उसका बच भी गया तो बचा लो, कोई खास बात नहीं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन रहता है मैरिज के ओकेजन गिफ्ट मिला किसको, जिसकी मैरिज है उसको, पेरेंट्स को नहीं, पेरेंट्स को मिला टैक्सेबल है, वो 50,000 की लिमिट में आएगा। जिसका जिसकी भी मैरिज है उसको गिफ्ट मिलता है, किससे, किसी से भी, रिलेटिव की बात नहीं कर रहे, रिलेटिव वैसे एग्जम्प्ट है, एनी अमाउंट इज एग्जम्प्ट। ये सेकंड पॉइंट है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट में सारे रीड कर देता हूं, फिर डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, इफ एनी पर्सन रिसीव एनी गिफ्ट अंडर विल इनहेरिटेंस इट बी एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। देन नेक्स्ट पार्ट है, इन कंटेमनेशन ऑफ डेथ ऑफ द पेयर और द डोनर। कंटेमनेशन डेथ मीन्स द एप्रीहेंशन ऑफ एन इंडिविजुअल दैट इज लाइफ विल एंड इन द इमीडिएट फ्यूचर by particular illness etc. from any local authority or charitable hospital, charitable institute, education institution, charitable trust. Yani totally ye 5 case hai jisme totally exempt hai. Ek bar 5 read kar lo, hum one by one sare discuss kar lete hain. देखिए ब्रिज, पहला पॉइंट क्या था, रिलेटिव क्यों एग्जम्प्ट है, क्योंकि घर का पैसा घर में है। दूसरा क्या है, मैरिज, मैरिज क्योंकि लाइफ में एक ही बार होनी है और मैरिज पर गिफ्ट देने का ट्रेडिशन है, तो गुणने का कोई बात नहीं, जितना भी रीजनेबल है उतना हम छोड़ देने को तैयार है, इसलिए इसको एग्जम्प्ट कर देंगे। तीसरा है अंडर विल और इनहेरिटेंस, विल और इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या होता है, पहले इनहेरिटेंस देखिएगा। फादर के नाम में प्रॉपर्टी है, डेथ हो गई, ऑटोमेटिकली किसकी है, स्पाउस की एंड चिल्ड्रन की, इनहेरिटेंस ऑटोमेटिक राइट हमें लॉ ने दिया है कि भी आपके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है तो आप उसके मालिक हो, एब्सोल्युटली एग्जम्प्ट है, जितनी मर्जी कुछ इनहेरिटेंस में मिले। विल, कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने अलाइव होते हुए विल बना देते हैं, लिख देते हैं भी इस बच्चे को इतना, इसको इतना, इसको इतना, इसको इतना, वरना डेथ के बाद सारे आपस में लड़ पड़ेंगे, वो कहेगा मेरा ज्यादा मेरा कम, ये वो, डिस्प्यूट ना हो जाए बच्चों में, बेटर है वो कर दो। तो गवर्नमेंट से विल और इनहेरिटेंस तो एक ही बात है, मतलब ये भी वो केस वही है, घर का पैसा घर में, यानी जो फर्स्ट पॉइंट रिलेटिव वाला था ये वही पॉइंट है, यानी जीते जी गिफ्ट दे दें तो फर्स्ट पॉइंट में, वही पर्सन डेथ के बाद दे दे चिल्ड्रन को तो फिर थर्ड पॉइंट में, तो ये फर्स्ट और थर्ड सेम है। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं अलाइव होते हुए अपने हाथों से प्रॉपर्टी बच्चों को दे देते हैं, कुछ कहते हैं नहीं ये गलती नहीं करनी, अगर जीते जी बच्चों को दे दिया हमें ही घर से बाहर निकाल देंगे, जब तक हमें हमारी है, हमारी बात तुम्हारी है, तुम्हारी है मतलब दो तरीके, आपस में फैसला कर लेना मतलब इनहेरिटेंस, नहीं फैसला हम करके जाएंगे मतलब विल। तो फर्स्ट एंड थर्ड सेम थिंग, बीच में पार्ट आ रहा है मैरिज वाला, ठीक है। तो पहले तीन पॉइंट एक बार देखो, फिर बचे दो पॉइंट और देखते हैं। यही थोड़ा और अंडरस्टैंड करते हैं विल और इनहेरिटेंस वाली बात को, कुछ और डिस्कस कर लेते हैं, कुछ ये पार्ट भी समझ में आया, कुछ रियल लाइफ भी समझ में आएगी। फादर हैं, सन है, डॉटर है, स्पाउस साथ में लगा लें, स्पाउस है, ठीक है। तो फादर के पास प्रॉपर्टी है 10 करोड़ की, 1000 लाख की, तो बताओ बच्चों को अपने अलाइव होते हुए गिफ्ट कर दे या गिफ्ट ना करें, सोच के देखो आप, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है,
ये पेरेंट्स को बात समझ में नहीं आती। ऑल पेरेंट्स आर एवरी टाइम कंफ्यूज्ड कि भाई अपने हाथों से अपने बच्चों को गिफ्ट करें कितना अच्छा लगता है, लेकिन जब वही बच्चे पेरेंट्स को घर से निकाल दें कितना बुरा लगता है। वो दिन भी आ सकता है, सारे बच्चे ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते भी हैं। रेमंड कंपनी के मालिक ने अपनी 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी अपने सन के नाम कर दी और सन ने उसे घर से बाहर कर दिया। सारा यूट्यूब फेसबुक भरा हुआ है। ही इज गिविंग एन ओपन मैसेज टू ऑल द पेरेंट्स, डोंट डू दिस मिस्टेक विच आई हैव डन। 10,000 करोड़ आई हैव गिफ्टेड टू माय सन, ही हैज एक्सपेल्ड मी फ्रॉम द हाउस। अब पता नहीं बीच में क्या बात हुई, ज्ञान हुई। मैं तो वैसे आपको एक फिलोसफी वाली बात बता रहा हूं। तो गवर्नमेंट से हमें कोई इतराज नहीं, हम आपको क्यों कंपेल करेंगे, मत दो आप, बाद में दे देना, हमें टैक्स नहीं चाहिए। विल और इनहेरिटेंस भी एग्जम्प्ट कर देंगे। अब दूसरा तरीका, प्रॉपर्टी लेके चुपचाप बैठे रहो, जब तक अलाए हो एंजॉय करते रहो, जब आप नहीं रहे बच्चे जाने। कुछ पेरेंट्स को तो ऐसा था बच्चे जाने, कुछ पेरेंट्स को ये पता इस बात के कि बच्चे पक्का आपस में लड़ेंगे। वो कहेगा मुझे ये दे मुझे ये दे। अंबानी, धीरू भाई अंबानी ने 1,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची और दोनों भाई छोड़ दी थी उन्होंने बच्चों के लिए, छोड़ के गए वो इतनी प्रॉपर्टी। ये दोनों भाई प्रॉपर्टी को लेकर एक दूसरे के दुश्मन है। दिल्ली का एक आपने केस सुनाओ, पोंटी चड्डा ब्रदर्स, दो भाई, 3,000 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, एक छोटे से फार्म हाउस के पीछे दोनों भाइयों ने आमने सामने गोली मार दी एक दूसरे को, दोनों मर गए एक छोटे से फार्म हाउस के पीछे। मतलब हिस्ट्री में ऐसे करके 1,000 केस है। तो इसलिए भाई बच्चों के भरोसे मत छोड़ना, बेटर है विल बना दो, भाई ये तेरा ये मैं तेरा बाद में लेना। वो से भाई हमें कोई इतराज नहीं, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो वैसे करो, आप जानो हर घर की कहानी अलग है, हम तो हर तरह से एग्जम्प्ट कर देंगे, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो आप पिछली क्लास का सारा पार्ट और यहां तक का सारा पार्ट, पहले किसी को डाउट है पूछिए, फिर आगे मैं 2 पॉइंट और एक्सप्लेन करूंगा। किसी कोई माइंड में क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, पिछली क्लास का पार्ट भी और आज की क्लास का पार्ट भी। चलिए फिर चौथा पॉइंट देखिएगा, फोर्थ पॉइंट, इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। व्हाट इज कंटेम्पलेशन? टू नो समथिंग इन एडवांस, पूर्व आभास हो जाना, इंट्यूशन आप समझते होंगे, पहले से अंदाजा लग जाना। अगर किसी को ऐसा लग रहा है इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ कि मेरी डेथ होने वाली है और ऐसे में उसने कुछ गिफ्ट किया, वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो लेकिन अगर मैं इतनी बात बोल दूं तो आप सब कंफ्यूज जाओगे, ये ऐसे पता लग जाता है कि डेथ होने वाली है, ये कैसे पता लगता है? बेसिकली इसका मीनिंग ये नहीं है, इसका मीनिंग मैं पूरी आपको बताता हूं, रियल सिचुएशन क्या है। देखिए एक पर्सन है मिस्टर एक्स, इसके पास वेल्थ है 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़, बच्चे जो है अमेरिका में सेटल्ड है या इंडिया में सेटल्ड है कहीं और, ये दिल्ली में है वो मुंबई। तो ये पर्सन घर पे अकेला रहता है, बच्चे सब बाहर है, स्पाउस की डेथ हो चुकी है, तो इतनी सारी वेल्थ है, बच्चे कहीं कहीं बैठे हैं, बच्चों को इसकी कोई इस पर्सन की कोई परवाह नहीं, वो अपने कामों में लगे हुए हैं। दे सिंपली से कि कल को डेथ हो जाएगी तो आगे प्रॉपर्टी संभाल लेंगे, सब टाइप के लोग हैं। ठीक है, इस पर्सन को बड़ा पिंच करता है कि मैं 1,000 लाख की 10 करोड़ 20 करोड़ की प्रॉपर्टी लेके बैठा हूं और मुझे कोई पूछने वाला ही नहीं है। और जब कभी ये बेचारा बीमार हो जाता है, दिक्कत होती है, तो पड़ोस में से एक लड़का आता है, अंकल लाओ मैं आपकी हेल्प कर देता हूं, चलो मैं दवाई दिलवा लेता हूं, चलो मैं ये करता हूं, चलो मैं ये करता हूं, चलो मैं ये करता हूं। तो ओवर द टाइम ये पर्सन के माइंड में एक रियलाइजेशन आना शुरू हो जाता है कि यार जो मेरे अपने हैं वो तो पराए जैसे हो गए और ये पराया मेरा अपने जैसा हो गया, सारी प्रॉपर्टी इसको क्यों ना दे दूं मैं। तो फीलिंग आएगी लगातार कॉन्स्टेंटली, जो बंदा 10 सालों से 15 सालों से हेल्प कर रहा है और जो 10-15 सालों से इग्नोर कर रहे हैं, जो अपने हैं वो अपने होके भी अपने नहीं है और जो पराया है वो पराया होके भी अपना हो गया। तो लेट्स सी, दिस पर्सन इज नाउ ही हैज फॉलन इल, एज उसकी ज्यादा निकल गई है, बीमार है, डॉक्टर ने कहा बचने का स्कोप कम है। तो एडवांस में पता लगने वाली बात ये है, सिचुएशन बताएगी, डॉक्टर कह रहा है कि जी आप तो वेंटिलेटर पे हो, आपका सर्वाइवल का स्कोप नहीं है। ऐसा नहीं अच्छा भला बंदा कहते पता नहीं मुझे क्यों लग रहा कल मेरी डेथ हो जाएगी, तो किसी ने पूछा क्यों, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा, उसकी बात नहीं कर रहे हम, इट शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स। ज्योतिष की बात नहीं कर रहे हम, ज्योतिष जी ने बताया मुझे, फैक्ट्स होना चाहिए। तो अब इसने सोचा अभी ये लास्ट मोमेंट है, मुझे फैसला करना है, अगर अभी फैसला नहीं किया तो सब रह जाएगा, लेट मी डिसाइड,
एंटायर प्रॉपर्टी इज गिफ्टेड टू दिस पर्सन, तो उसे इसको हम छोड़ देंगे, दिस जेन्युइन गिफ्ट। और इस केस में हम भी चाहेंगे, टैक्स की बात नहीं है, जो पर्सन डेथ के टाइम पे लास्ट मोमेंट पे कोई डिसीजन करके गया है उसका पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। क्या रीजन होगा? ये भी मेरे बच्चों जैसा ही है, इसको भी आप इनहेरिटेंस में काउंट कर लो। तो उसे ठीक है, हमने इसको इनहेरिटेंस में काउंट कर दिया और हमने इसको एग्जम्प्ट कर दिया। अब इसमें और क्वेश्चन आते हैं, बाई चांस डेथ ना हो तो क्या सर मरना जरूरी है गिफ्ट करने के बाद एग्जम्प्शन के लिए? नो, एक रीजनेबल टाइम तक वेट किया जाएगा। अगर वो रीजनेबल टाइम निकल जाता है तो फिर उसके बाद वो पर्सन सर्वाइव करता है तो गिफ्ट टैक्स हो जाएगा। अब रीजनेबल सर कितना होता है? रीजनेबल को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, डिपेंड करता है 2 महीने 4 महीने 6 महीने, ऐसा नहीं 10 साल हो गए, 10 साल पहले गिफ्ट किया था कुछ नहीं हुआ। तो ये सिचुएशन के हिसाब से इनकम टैक्स ऑफिसर के बाद जब केस आएगा तब वो डिसाइड करेगा क्या ये रीजनेबल है या नहीं है, मतलब ये मिसयूज है कि जेन्युइन है। सीधी बात है, ये देखा जाएगा कि भाई यहां जेन्युइन केस है, अरे ये तो झूठ बोल रहा है, ये तो अच्छा भला उसने गिफ्ट दे रहा था ऐसे ही बोल दिया, कंटेम्प्ट ऑफ डेथ, और 4 सालों से गिफ्ट बांटे जा रहे हैं, अच्छा भला बंदा है। कैसे पता लगा भी कंटेम्प्ट ऑफ डेथ? कि जी पता नहीं मुझे ऐसा लगता है, तुम्हें किसने बताया क्या रीजन है पता नहीं मुझे ऐसा लगता है, तो उसको नहीं माना जाएगा। ठीक है, देखो रीड करके 4 पॉइंट, फिर 5वां। अब लास्ट पार्ट देखिएगा इसका, एमसीडी ने स्कीम चलाई जो भी दिल्ली को क्लीन करने में हमारी हेल्प करेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करेगा, ऐसे 5 लोगों को हर साल हम 1-1 लाख रुपए का कैश प्राइज देंगे। किसी हॉस्पिटल ने स्कीम चलाई जो भी कोरोना से फाइट करने में दिल्ली के 5 लोग होंगे सबसे बड़ा रोल प्ले करेंगे, 1-1 लाख का गिफ्ट दिया जाएगा। आप बताओ गवर्नमेंट को इसे टैक्स करना चाहिए कि एग्जम्प्ट? एग्जम्प्ट, ये लास्ट पॉइंट है इसका, देखो रीड करके। हरवीज अब यहां तक पहले जो भी आपके माइंड में डाउट है पूछ सकते हो, इतने पार्ट तक इसको डाउट है पूछिए। गिफ्ट इन जनरल 50,000, 5 स्पेशल केस एब्सोल्युटली एग्जम्प्ट। देखिए गवर्नमेंट कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि जी हमें तो टैक्स चाहिए ही चाहिए, हमें नहीं पता जो मर्जी हो हमें तो चाहिए जाए। नो, इट्स ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन कि पब्लिक से पैसा लेंगे, किस पे खर्च करेंगे? पब्लिक पर। तो क्यों ना पैसा लेते हुए ध्यान रखें जो डिजर्व करता है छोड़ दो, जो स्पेशल ऐसा नहीं लेना चाहिए छोड़ दो। गवर्नमेंट किसका नाम है? हम सब लोग मिलकर ही गवर्नमेंट बनाते हैं, तो कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसलिए सोशल एस्पेक्ट हमेशा बीच में रहेगा। हर टैक्स के बीच में सोशल एस्पेक्ट जरूर आएंगे, वहां पर एग्जम्पशन मिलेगा। तो गिफ्ट में भी 5 केस है जहां एब्सोल्यूट एग्जम्पशन है, बाकी 50,000 का नॉर्मल एग्जम्पशन है। अदर पार्ट अभी टेकअप करते हैं, डाउट आप यहां तक पूछ सकते हो, किसी के माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, कोई क्वेश्चन कोई पूछना चाहे? चलो फिर आगे चलते हैं, आगे देखिए पेज नंबर 93 पे आइए, पहले क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। एक्सप्लेन टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट, पेज 93 पर क्वेश्चन नंबर 5। Received from employer, gift to the employee 17(2)(8) rule 374.
गिफ्ट गिवन बाय एम्प्लॉयर इन काइंड अप टू रुपीज 5000 इन एग्रीगेट ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर इज एग्जेम्प्ट एंड एक्सेस ओवर इट इज टैक्सेबल इफ द एम्प्लॉयर इज गिवन एनी वाउचर और टोकन इन ल्यू ऑफ विच सच गिफ्ट मे बी रिसीव्ड इट विल बी एग्जेम्प्ट इन द सिमिलर मैनर गिफ्ट इन कैश और गिफ्ट कन्वर्टेबल इन टू कैश दैट इज गिफ्ट चेक एटसेट्रा शैल बी फुली चार्जेबल टैक्स Mr. X employee is submitted. He has received a cash gift of 11,000 from his employer. In this case, tax amount shall be rupees 11,000 and it will be income under that salary and shall be taxable at the normal rate. But if Mr. X has received one wrist watch of rupees 11,000 from his employer, taxable amount shall be 6,000. Each reading up low, we discuss carefully. देखिए अब अंडरस्टैंड करते हैं इसको. मिस्टर एक्स एम्प्लॉयड इन एबीसी लिमिटेड एम्प्लॉयर हैज गिवन हिम ए गिफ्ट ऑफ रुपीज 40,000. मिस्टर एक्स हैज वन फ्रेंड मिस्टर वाई ही हैज गिवन हिम ए गिफ्ट ऑफ रुपीज 40,000. ये तो जनरल कैटेगरी में चला जाएगा 50,000 तक एग्जम्प्ट हो जाएगा. इसको हमने डिस्कस करना है एग्जम्प्ट करें कि टैक्स करें. तो आपको क्या लगता है एग्जम्प्ट करें कि टैक्स करें. गवर्नमेंट सेज वाई ने आपको गिफ्ट दिया वो आपका फ्रेंड है. बात को समझ में आती है फ्रेंड से तो गिफ्ट मिलते हैं. लेकिन एक एबीसी लिमिटेड का आपसे कौन सा पर्सनल रिलेशन है जो गिफ्ट आपको दे दिया किस बात का. वाई से पूछा किस बात का भाई मेरा फ्रेंड है इस बात का. कंपनी से पूछा किस बात का तुम्हारा क्या लगता है. तो कंपनी के पास क्या रिप्लाई हुआ कुछ नहीं. तो उसे वो हम आपको बताते हैं आपने इनसे काम करवाया था और काम करवाने पे जो पेमेंट होती है वो सैलरी होती है गिफ्ट कहां होता है. और सैलरी तो सैलरी एडमिशन टैक्सेबल होती है तो गिफ्ट कहां से आया दिस इज सैलरी एंटायर अमाउंट इज टैक्सेबल. अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है तो गवर्नमेंट क्या कह रही है गिफ्ट नहीं है ये सैलरी है. सैलरी किसकी बात की मिलती है काम करने की. काम करने का पैसा गिफ्ट में कैसे आ जाएगा. और सैलरी तो किसी भी एम्प्लॉय को मिलेगी सारा टैक्सेबल है तो सारा अमाउंट टैक्स में. ऐसे तो आप कह दोगे जी मैं तो हर एम्प्लॉय को गिफ्ट देता हूं सैलरी नहीं देता तो सबका एग्जम्प्ट हो जाएगा. आपके पास 1,000 एम्प्लॉय है सबको गिफ्ट देते जाओ कह जी सैलरी नहीं देता मैं गिफ्ट देता हूं. गिफ्ट कहां हो सैलरी है. कंसिडरेशन ना हो तब गिफ्ट है. कंसिडरेशन है ना काम का. इसलिए एम्प्लॉयर के द्वारा दिया गया गिफ्ट गिफ्ट कहलाएगा ही नहीं वो सैलरी और टैक्सेबल है. तो पहले तो गवर्नमेंट ने यह कहा भी ये एंटायर अमाउंट टैक्सेबल है. वो तो इन जनरल एम्प्लॉयर को छोड़ के बाकी लोगों से मिले. बाकी लोग कौन या तो वो रिलेटिव होगा या फिर फ्रेंड होगा और कौन देता है. ऐसा चलता फिरता कोई बंदा रुक गया लो भाई गिफ्ट लो भाई गिफ्ट बांट रहा है ऐसे कहां मिलता है. तो ये सैलरी है. एम्प्लॉयर ने कहा ग्रीट. एम्प्लॉय ने कहा ग्रीट आपकी बात ठीक है टैक्सेबल है. फिर एम्प्लॉयर ने कहा आप ये बताओ मेरे एम्प्लॉय का बर्थडे है तो क्या मैं बर्थडे पे भी कुछ ना दूं. उसको बुरा नहीं लगेगा कि मैं इनके पास काम करूं 10 सालों से. क्या हम उनको ये कहें भी तुम्हारा बर्थडे तो हम क्या करें. मैरिज एनिवर्सरी है तो हम क्या करें. कुछ ना कुछ तो हमारा भी बनता है. फिर उसे चलो आप दे दो 500 रुपये 700 रुपये साल के छोड़ देंगे. फिर गवर्नमेंट ने फाइनली डिसाइड किया 5,000 रुपये तक का. एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पूरे साल में सब ओकेजन्स पे मिला करके टोटल करके हाईएस्ट पॉसिबल 5,000 दे सकता है. 5,000 ही एग्जम्प्ट हो जाएगा 50,000 ही एग्जम्प्ट हो जाएगा. दोनों को मिलाया नहीं जाएगा. दे विल बी एक्सक्लूसिव ऑफ इच अदर. और अगर 5,000 से ज्यादा हुआ तो 5,000 से ज्यादा होने पर 5,000 के ऊपर वाला टैक्सेबल है अंडर दैट सैलरी. उधर 50,000 से ऊपर होने पर सारा टैक्सेबल है. इधर 5,000 से ऊपर होने पर 5,000 के ऊपर का टैक्सेबल है. लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है. क्वेश्चन फ्लो है. कुछ लोग कहते हैं 5 के ऊपर का टैक्सेबल है और कुछ लोग कहते हैं 5 से ज्यादा होने पर सारा टैक्सेबल है. इंस्टीट्यूट ने अपने मॉड्यूल में लिखा है दोनों आंसर करेक्ट है. आप चाहे 5 के ऊपर का टैक्स कर देना आप चाहे 5 से बढ़ने पर सारा टैक्स कर देना बोथ आर करेक्ट. लेकिन उसमें कोई डाउट नहीं है. वो 50 से क्रॉस करने पर सारे टैक्सेबल है. उसमें ऑप्शन नहीं है. लैंग्वेज जो डिफेक्टिव है इसकी लैंग्वेज डिफेक्टिव है. फिर एक कंडीशन और लगा दी.
कि भी ये गिफ्ट जो है कैश में नहीं होना चाहिए, अगर कैश में दिया 1 रुपया भी टैक्सेबल है, हमने तो एग्जम्पशन काइंड में दिया है। अब ऐसा क्यों? अब आप मुझे बताइए, जो जेन्युइन गिफ्ट होता है वो कैश में होता है या काइंड में होता है? देखो आपके दो फ्रेंड है, एक ने तो लिफाफे में डाल के आपको पैसे दिए और एक मार्केट से कोई गिफ्ट खरीद के लाया, पूरा दिन लगा के 2-3 घंटे लगा के पैक वैक करके, तो कौन सा वैल्यू दोनों के 500 रुपए है, आपको कौन सा वाला ज्यादा अच्छा लगा, कैश वाला कि काइंड वाला? कितने स्टूडेंट को कैश वाला? इन लोगों के लिए फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं, इनको पैसे चाहिए। गिफ्ट के साथ इंसान की फीलिंग जुड़ी होती है, कैश के साथ नहीं जुड़ती। जब आप पूरा दिन मार्केट में घूमते हो कि मेरे फ्रेंड की च्वाइस मुझे पता है, ढूंढ के लाऊंगा, फिर उसे प्यार से पैक करते हो, वो होता है गिफ्ट रियल सेंस में। और जिनको अच्छा लगता है उनकी फीलिंग्स गिफ्ट के साथ जुड़ी हुई है, प्लस वो दूसरे की फीलिंग्स की भी कदर कर रहे हैं। इस सेंस में गिफ्ट हमेशा काइंड वाला होता है। कैश वाला, अरे यार मेरा तो मन भी नहीं है उसके बर्थडे पे यार, भी डालना यार लिफाफा, पकड़ना है पैसे, वो होता है। जो कैश में देना, समझ जाना ये बेचारा मजबूरी में आया है, ये फंसा हुआ है, ये अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा, पकड़ भाई। और जो पैक वैक करके लाया ये है। एनीवे मतलब मैं तो आपको बात समझना चाह रहा हूं, गवर्नमेंट से अगर एम्प्लॉयर ने कैश में पैसा दे दिया तो एम्प्लॉयर क्या कह रहा है, बदले में इतना काम करवा लूंगा तेरा, मैं तेरा एग्जम्प्ट है, टैक्स बचा ले, मैं तो ऐसे ही दे रहा हूं, काम करवा लूंगा, शाम को रुक जा रहा हूं 2 घंटे काम करके जाना मेरे, मुझे तो वो सैलरी फिर आ गई। अगर आपने काइंड में दिया तब हम मान सकते हैं। अब एम्प्लॉयर ने कहा, कंपनी के डायरेक्टर ने, अच्छा मैं कंपनी का डायरेक्टर, सारे काम खत्म हो गए मेरे पास, एम्प्लॉयज के लिए मार्केट में घूमता हूं, काइंड में गिफ्ट लेके आऊंगा। तो फिर बीच का रास्ता निकाला गया, एम्प्लॉयर ने क्या किया, आर्चीज गैलरी का या किसी के भी 5-5 हजार रुपए के कूपन खरीद लिए, 4 हजार का 3 हजार का एम्प्लॉय को कूपन दे दिया कि भी वहां चले जाना, अपनी च्वाइस का सामान ले आना। तो गवर्नमेंट से पूछा, आप बताओ ये कैश है कि काइंड, को से एग्रीड काइंड है, इसको काइंड में काउंट कर देंगे, 5 जब तक दे देंगे। क्यों काउंट कर देंगे? इस वजह से, क्योंकि हर किसी के पास टाइम थोड़ा, भाई एम्प्लॉयर के पास थोड़ा इतना टाइम है। मान लो कंपनी के अंदर 5 हजार एम्प्लॉयज है, तो डायरेक्टर तो पूरा साल यही काम करते रहेंगे, देखो रीड करके। हाइब्रिड डाउट्स पहले यहां तक, इतने पार्ट तक किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन? अब एक छोटा सा पहले क्वेश्चन करवाता हूं आपको, एम्प्लॉयर वाला जनरल वाला मिक्स करके एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिए पहले, इतनी बात जरा अच्छे से समझ ले। Mr. X employed ABC Limited getting salary rupees 50,000 per month. Employer has gifted him 1 mobile phone value rupees 40,000, ठीक है, 50,000 रुपए पर मंथ तो एम्प्लॉय सैलरी दे रहा है,
साथ में एम्प्लॉयर ने एक मोबाइल फोन गिफ्ट किया है जिसकी वैल्यू है 40,000। तो बताओ ये 40,000 वाला मोबाइल फोन टैक्सेबल के एग्जम्प्ट? 5,000 छोड़ देना, 35,000 टैक्स कर देना। सैलरी वाले में दोनों ऑप्शन है, 40 भी कर सकते हो, 5 के ऊपर का भी, लेकिन हम क्लास में एक ही कैलकुलेशन करेंगे, ऐसा ना सबका अलग अलग हो जाए। तो एम्प्लॉयर वाले में क्या करना, 5,000 छोड़ के ऊपर का टैक्स कर देना, और जनरल वाले में तो सारा करना ही करना 50 करोड़ होने पर। तो इस केस में आप क्या करना, 5,000 छोड़ देना, 35,000 टैक्स कर देना। करेक्ट, आगे चलो। एम्प्लॉयर हैज गिवन कैश गिफ्ट ऑफ ₹11,000। कैश में तो कुछ भी देना अलाउड नहीं है बाय द एम्प्लॉयर, सारा टैक्स कर देना। आगे चलिए। ही हैज रिसीव्ड कैश गिफ्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड्स ₹62,000। इसके अलावा फ्रेंड से 62,000 का कैश गिफ्ट मिला है, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? टैक्सेबल। 12,000 के सारा कौन से हेड में? अदर सोर्सेज। और एम्प्लॉयर वाला कौन से हेड में? सैलरी हेड में। एम्प्लॉयर कुछ भी एम्प्लॉय को देगा, सैलरी हेड में जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। He has also received a gold ring of ₹45,000 from one of his friends. Compute income and tax assessment year 22-23। देखो अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप कॉपी करते चलिएगा। वी आर डूइंग कैलकुलेशन फॉर प्रीवियस ईयर 21-22 असेसमेंट ईयर 22-23 विद रिगार्ड टू मिस्टर एक्स। पहली इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं सैलरी हेड की। इनकम अंडर द हेड सैलरी, एम्प्लॉयर ने सैलरी दिया है ₹50,000 पर मंथ, पूरा टैक्सेबल होता है। अमाउंट नोट कर लीजिएगा 6,00,000। उसे सैलरी तो पूरी टैक्सेबल है। उसके बाद एम्प्लॉयर ने जो गिफ्ट दिया है वो आता है सेक्शन 17(2)(8) रूल 374 में। रूल क्या होता है वो मैं अभी आपको बता दूंगा। सेक्शन 17(2)(8) मतलब सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, ऐसे डिवीजन होता है। इधर रूल और सब रूल होता है। रूल क्या होता है मैं बता दूंगा आपको। इसमें मोबाइल फोन कितने का दिया है? मोबाइल फोन है 40,000 का। ठीक है, तो 5,000 उसमें से छोड़ देना। मोबाइल फोन 40,000 का, तो 5,000 उसमें एग्जम्प्ट कर देंगे, बैलेंस 35,000 को सैलरी मिल जाएंगे। उसके बाद जो कैश गिफ्ट बाय एम्प्लॉयर है, बाय एम्प्लॉयर ये पूरा टैक्स कर दीजिए। कितना था? 11,000, ये पूरा टैक्स हो जाएगा। अब जो गिफ्ट फ्रेंड से मिला है वो टैक्स होगा अदर सोर्सेज में,
दो हेड को मिक्स कभी मत करना, एक हेड की फाइनल इनकम निकाल के छोड़ना, फिर दूसरा हेड उठाना उसकी फाइनल इनकम निकाल के छोड़ना, फिर अगला हेड, फिर अगला हेड। गलती से ऐसा नहीं कि जो अदर गिफ्ट है वो भी बीच में ऐड कर दें, वो नहीं ऐड करेंगे। अब सैलरी हेड का चेक कर लो, सैलरी हेड की कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए, जो कुछ एम्प्लॉयर ने दिया वो सब कुछ आ गया है। अब सैलरी हेड को फाइनल देखो कैसे करते हैं, इस सारे का टोटल कर लीजिएगा। टोटल करने के बाद जो फिगर आती है वो कहलाती है ग्रॉस सैलरी। कितना बना? 6,46,000। ये कहलाती है ग्रॉस सैलरी। जो भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को पैसे देगा टैक्सेबल पार्ट नोट करेंगे, एग्जम्प्ट पार्ट हटा देंगे। फिर सैलरी के चैप्टर में जब हम आएंगे तो एक पार्ट स्टडी करेंगे, मैं एडवांस में आपको बता रहा हूं, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन नोट कर लेना आप, स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसका सेक्शन है 16(1)(a) ये 50,000 रुपए इसमें से लेस करना है। अब आती है इनकम अंडर दैट सैलरी। सिक्सटीन वन ए में 50,000 कितना आ गया? 596। ऐसा क्यों किया अभी मैं आपको बताता हूं। ये सैलरी एड की फाइनल फिगर आ गई। अब अदर सोर्सेज एड की फाइनल फिगर निकालेंगे, दोनों को ऐड करके ग्रॉस टोटल इनकम निकालेंगे, डिडक्शन 86(2) लेस करके टोटल इनकम निकालेंगे, टोटल इनकम टैक्स निकालेंगे। हर हेड का क्वेश्चन के अंदर जिस भी हेड की एंट्री है उस हेड को सेपरेट कैलकुलेशन कराना, दो हेड को मर्ज नहीं करना, मिक्स नहीं करना। अब ये सैलरी में ये पार्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है ये पार्ट देखिए, जब सैलरी का चैप्टर आएगा, ये चैप्टर इनकम टैक्स के एंड में आएगा, ये सिलेबस का लास्ट चैप्टर होगा सैलरी का, इसका रेफरेंस अभी से आना शुरू हो जाता है, तो थोड़ी सी बात इसकी अभी करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट सेज भी आपके एम्प्लॉयर ने पैसा दिया, जहां कहीं हमें लगेगा कंसेशन होना चाहिए वहां हम कंसेशन कर देंगे, अदरवाइज सब टैक्सेबल है। तो आप सारे टैक्सेबल पार्ट नोट करते चले जाओ, जब ये टोटल आएगा उसमें से 50,000 रुपए लेस करवा देंगे। किस बात का होता है? देखो, एम्प्लॉई घर से ऑफिस जाएगा, ऑफिस से घर भी आएगा, आने जाने पर पैसा खर्च करेगा। आने जाने में पैसा क्यों खर्च कर रहा है? ताकि वो पैसा अर्न कर सके। और कोई भी अमाउंट जब हम अर्न करते हैं उसमें जो पैसा खर्च होता है उसी को एक्सपेंस बोल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डेबिट करते हैं। आप देखिए, 11th क्लास से आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो, उसमें कौन सा एक्सपेंस डेबिट करते हो आप? ग्रॉस रिसिप्ट को, अर्निंग को पॉकेट तक लाने के लिए जो पॉकेट से निकल जाए वो एक्सपेंस डेबिट होता है। इज दैट राइट और नॉट? भाई, हर पर्सन को एक्सपेंस करना पड़ेगा तभी वो अर्निंग करेगा। जो एम्प्लॉय कह रहा है, जी मान लो मैं कल को ऑफिस ना जाऊं तो बताओ मैं कैसे अर्निंग करूंगा? तो जब मैं ऑफिस गया मेरा आने जाने का पैसा लेस करवाओ, इसमें से एक्सपेंडिचर है मेरा, तो गवर्नमेंट से एग्रीड लेस कर लो। तो गवर्नमेंट का भी कितना खर्च हुआ? एम्प्लॉय ने सोचा मेरा खर्च तो हुआ है 10,000, गवर्नमेंट को क्या पता, कह दो 15,000। आ जाता तो मैं DTC की बस से हूं, गवर्नमेंट को क्या पता, मैं कह दूं ऑटो में जाता हूं, कैसे पता लगेगा? उसने 20,000 क्लेम किए, गवर्नमेंट ने 20,000 अलाउ कर दिए। उसने कहा गलती करी, मुझे तो कहना चाहिए था टैक्सी से जाता हूं, 50,000 रुपये ले लूंगा। उसने कहा टैक्सी देता हूं, गवर्नमेंट ने 50,000 अलाउ कर दी। उसने कहा गलती की, मुझे हेलीकॉप्टर कहना चाहिए था। गवर्नमेंट का कितने खर्च हुए? उसने कहा 6,46,000। इनकम कितनी आई? 0। तो ये प्रॉब्लम आती चली गई। गवर्नमेंट का ये तो पता नहीं क्या हुआ, बंदा रहता ऑफिस के साथ, कहां रहते हो? 50 किलोमीटर दूर। ऐसे करो, एक्चुअल आपने क्या खर्च किया हमें नहीं पता, एक स्टैंडर्ड फिगर निकाल लो, सबको स्टैंडर्ड फिगर लेस करनी अलाउड है, चाहे इनकम कम किया कहीं ज्यादा किया। तो जहां कहीं गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर चेक करने में प्रॉब्लम आती है उसके बदले में स्टैंडर्ड फिगर आ जाती है। ये और भी कई चैप्टर में आएगी, बहुत जगह आएगी। जहां भी वर्ड स्टैंडर्ड हो ना, तो आप ये एक्सप्लेनेशन समझ जाना, इसमें एक्चुअल एक्सपेंस वेरीफाई करना बहुत मुश्किल है। वहीं पर स्टैंडर्ड फिगर आ गई तो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया। अब चाहे आप साथ में रहो, चाहे आप दूर से आओ, चाहे आप साइकिल से आओ, चाहे आप हेलीकॉप्टर से आओ, यही मिलेगा। तो सबके केस में सैलरी के चैप्टर में 50,000 रुपए लेस करना मत भूलना, दिस को स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब जो आगे फिगर, इस पे आपको टैक्स देना है। अब अदर सोर्सेज के साथ ऐड करते हैं, नीचे लिखे नेक्स्ट इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज।
ठीक है जी, गिफ्ट सेक्शन कौन सा था, 56 to 10। कितने का मिला गिफ्ट पहले, कैश वाला, कैश वाला कितने का है, कैश वाले गिफ्ट 62। हाँ जी, टैक्सेबल के एग्जाम, टैक्सेबल, ये पूरा टैक्स कर देना। फिर काइंड वाला, काइंड वाला कितना मिला है, 40 45, कितना है 45। ये क्या करना है, टैक्सेबल के एग्जाम्ट, एग्जाम्ट, ठीक है, नील कर दो, एग्जाम्ट कर दो, एक ही बात है। ये अदर एसोसिएट की इनकम फाइल करना आप, हर हेड की इनकम अलग अलग कैलकुलेट करके दिखा रही है, मिक्स नहीं कर रहे दो हेड। अब लिखना ग्रॉस टोटल इनकम जीटीआई, अब दोनों हेड की इनकम मिला देना, कितना 62 + 596, 658,000, इतना ही बनाएगा ना। दिस इज ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शन कोई हो तो लेस कर लेना, आ जाएगी टोटल इनकम। इस पे टैक्स निकाल लेना, हेल्थ एजुकेशन से ऐड कर लेना फाइनल करके, और फिगर जितनी है मुझे बता दो कितनी आ रही है, कितना 149 850 60, इतना राउंड ऑफ करने के बाद, चलो आप देख लो, आप चेक कर लो जो भी आ रहा है, राउंड ऑफ करने से पहले वाली फिगर भी लिख लो फिर राउंड ऑफ, तो आप तो अलग अलग लिख लो ना, आप टैक्स अलग निकालो, एचईसी अलग निकालो, टैक्स अलग निकालो, और लास्ट स्टेप में राउंड ऑफ कर लो। चेक कर लीजिए, कैलकुलेट कर लो। हाँ जी ठीक है, करेक्ट, फाइनल कितना आया, 45 860, इतना 45 860। चेक कर लीजिएगा, अब आप आराम से डाउट पूछ लीजिएगा, हर हेड की इनकम अलग कैलकुलेट होगी और बाद में ऐड करके ग्रॉस टोटल इनकम होगी, फिर टोटल इनकम होगी, फिर टैक्स, फिर अच्छी सी, फिर टोटल, फिर 288 बी में राउंड ऑफ होगा 10 की मल्टीपल में। पहले यहां तक किसी को डाउट? अब इसमें एक वर्ड आया रूल, ये रूल क्या होता है वो भी देख लीजिएगा, व्हाट इज रूल, ये वाला पार्ट, रूल किसे कहते हैं, रूल। देखिए अगर मैं इनकम टैक्स की कोई भी बात कहूंगा तो अंडरस्टूड है कहीं ना कहीं लिखी होगी, और वो कहां लिखी होगी, इनकम टैक्स एक्ट 1961 गिवन टू अस बाय पार्लियामेंट, इन जनरल यहीं पे होगा, इसी में से बताऊंगा मैं। बट पार्लियामेंट सेज मैनी टाइम कि भाई इतने सारे तो नए एक्ट बनाने हैं, इतने सारे पुराने अपडेट करने हैं, हमारे पास उतना टाइम नहीं है, इसलिए हम अपनी पावर किसी को डेलीगेट कर देंगे, और जिसको पावर डेलीगेट करेंगे उसको भी ये लॉ बनाने की पावर है, और वो भी लॉ है, वो भी पूरे कंट्री में चलेगा, लेकिन पार्लियामेंट के बनाए लॉ को हम क्या बोलते हैं, एक्ट, इसके पार्ट को क्या बोलते हैं, सेक्शन। फिर कोई और जब लॉ बनाएगा पार्लियामेंट से पावर लेके, तो उसे हम एक्ट या सेक्शन नहीं बोलेंगे, उसे बोलेंगे रूल।
वैसे है तो ये भी लॉ, अभी पार्लियामेंट ने नहीं बनाया, ये पार्लियामेंट से पावर लेके किसी और ने बनाया। किसी और ने, किसने? जिस भी फील्ड से रिलेटेड लॉ बनना है उस फील्ड की इंडिया की टॉप मोस्ट अथॉरिटी को पावर दी जाती है। जैसे इनकम टैक्स में इंडिया की जो टॉप मोस्ट अथॉरिटी है उसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, पॉपुलरली कॉल्ड सीबीडीटी। इसकी बात हर क्लास में आती रहेगी, सीबीडीटी वर्ड हर क्लास में आएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। एक पर्सन नहीं है, ग्रुप ऑफ पर्सन है, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। इनके ऊपर है फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर बहुत काम देखता है, इंडिपेंडेंट बॉडी बना रखी है, नॉर्थ ब्लॉक फाइनेंस मिनिस्ट्री में इनका ऑफिस है, फाइनेंस मिनिस्टर का भी वही है, वहीं पे लोग बैठते हैं, इनकी ड्यूटी है। तो पावर पार्लियामेंट से इनको मिलती है कि भी ऐसा है इससे रिलेटेड लॉ बनाना, तुम लोग बनाओ, जो तुम बनाओगे चलेगा। उसको बोलते हैं इनकम टैक्स रूल्स, दीज आर द इनकम टैक्स रूल्स। जितना लॉ पार्लियामेंट ने बनाया उससे ज्यादा इन्होंने बनाया है, रूल बुक अलग है, ये इनकम टैक्स रूल्स ये अलग है, और वो इनकम टैक्स एक्ट अलग है। गिवन टू अस बाय पार्लियामेंट, गिवन टू अस बाय होम सिविलिटी, तो हमारे लिए दोनों लॉ है। तो जो बात रूल में लिखी है तो रूल का नंबर बताना पड़ेगा, और जो बात एक्ट में लिखी है सेक्शन का नंबर बताना पड़ेगा। ज्यादातर बातें दोनों में है, तो आप कहोगे दोनों में कैसे भैया, तो वो बनाए या ये बनाए, देखो दोनों में कैसे बनती है। पब्लिक ने कहा भी हमें जो गिफ्ट मिलता है वो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं करना चाहिए, कुछ कंसेशन तो करो। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा बात तो ठीक है, कुछ कंसेशन तो करो, लेकिन कुछ कितना? फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कुछ कितना करे, कोई कह रहा 10,000, कोई कह रहा 20,000, कोई कह रहा 50,000, कोई कह रहा 1,00,000, कोई कह रहा, चलो ऐसा करते हैं पावर सीबीडीटी को देते हैं, वो लोग एक्सपर्ट हैं, वो सोच समझ के आपको बताएंगे। तो एग्जेम्पशन मिलना चाहिए, ये कहां लिखा हुआ है? सेक्शन में, एक्ट में मिलना चाहिए। कितना? ये कहां लिखा हुआ? रूल में। इस तरह से हर पार्ट दोनों ने मिलकर बनाया। प्रिंसिपल मेन कौन बताएगा? पार्लियामेंट। डिटेल कौन बताएगा? सीबीडीटी। हर बात में प्रिंसिपल भी होगा और हर बात में डिटेल भी होगी, इससे दोनों मिक्स हो जाते हैं, तो हमें फिर दोनों लिखने पड़ते हैं। सेक्शन भी लिखो 17(2)(8) सेक्शन और 3(7)(4) रूल, दोनों लिखने पड़ेंगे ज्यादातर। ऐसे जीएसटी में भी है, वो कोई भी एक्ट हो, ऐसे कंपनी लॉ में भी है। आजकल आप कंपनी लॉ स्टडी करोगे ना, आपका कंपनी लॉ चल रहा होगा, वो कंपनीज एक्ट वो अलग है, उसके रूल बहुत सारे हैं। यहां तो एक ही है इनकम टैक्स रूल, सारे रूल इसी में है, वहां अलग अलग नाम से रूल है, इसके रूल अलग है, इसके रूल अलग है, इसके रूल अलग है, उसके रूल अलग है, उसके रूल अलग है। कंपनी लॉ में तो बहुत सारे हैं, वो सारे रूल भी आपको स्टडी करने पड़ेंगे बीच में। ऐसे जीएसटी में भी है, एक्ट अलग है, रूल अलग है। कोई भी लॉ हो हर एक्ट के साथ रूल है, क्योंकि पार्लियामेंट 100% कभी बात बता ही नहीं सकती, पार्लियामेंट के पास उतना टाइम ही नहीं है, पार्लियामेंट में उतना एक्सपर्ट है ही नहीं, ये तो एक्सपर्ट्स का काम है। अब ये सीबीडीटी के मेंबर कौन होते हैं? जो लोग आईआरएस है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में आई है, डायरेक्ट डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर यहां से तो स्टार्ट होता है ये, उसके बाद ये डिप्टी कमिश्नर से कमिश्नर, फिर चीफ कमिश्नर, फिर डायरेक्टर जनरल वगैरह, काफी पोस्ट क्रॉस करते करते चलते हैं, और जब लास्ट में इनका रिटायरमेंट होना होता है, 2-4-5 साल बचे होते हैं, तब जाके सीबीडीटी के मेंबर बनते हैं। यानी पूरी लाइफ टैक्सेशन में लगा दी, इनके ब्लड के अंदर टैक्सेशन आ जाती है। उनसे जब आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की बजाय देखने पर टैक्स मिले, तो देन यू आर मेंबर ऑफ सीबीडीटी। उस स्टेज के ऊपर वहां जाके बनते हैं, यहां से इनकी लास्ट पोस्टिंग होती है, यहां से फिर रिटायर हो जाते हैं। तो ये लोग हैं, ये लोग पूरी प्लानिंग करते हैं। तो बताऊं कैसे चलता है पूरे कंट्री का सिस्टम। देखिए, टॉप पे प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट है, डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्टर्स हैं। प्राइम मिनिस्टर टैक्सेशन से रिलेटेड कुछ चाहता है तो किससे बात करेगा? फाइनेंस मिनिस्टर से करेगा, प्राइम मिनिस्टर सीबीडीटी के मेंबर से बात नहीं करेगा। चेयरमैन भी है उनका, चेयरमैन तो बाकी मेंबर, वो फाइनेंस मिनिस्टर को इशारा करेगा कि वी वांट दिस थिंग। फाइनेंस मिनिस्टर अपने ऑफिस में आने के बाद, यहां फाइनेंस मिनिस्टर का ऑफिस है, यहां सीबीडीटी का और यहां सीबीआईसी का है, एक और बोर्ड होता है सीबीआईसी, इसका ही मैं बता दूंगा अभी ये क्या होता है। दो बोर्ड है, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस को जीएसटी को देखते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस को डायरेक्ट टैक्स को देखते हैं सीबीडीटी। दोनों का अलग ग्रुप है, दोनों के अलग अलग चेयरमैन है, और फाइनेंस मिनिस्टर तो ओवरऑल इंचार्ज है ही।
तो प्राइम मिनिस्टर ने कोई बात कही इनकम टैक्स से कनेक्टेड, तो फाइनेंस मिनिस्टर आने के बाद और फिर ऑफिस में आने के बाद जो सीबीडीटी का चेयरमैन है वो भी वहीं बैठता, उसको बुलाएंगे अपने कैबिन में कभी वी वांट ये काम होना चाहिए। तो सीबीडीटी चेयरमैन जाने के बाद सीबीडीटी के मेंबर्स को बुलाएंगे कि भाई ये काम होना चाहिए। फिर ये लोग क्या करते हैं, पूरे कंट्री में कैसे काम करते हैं, जिसे पूरे कंट्री को डिवाइड कर लिया मान लो 50 पार्ट में, 1 2 3 4 50 पार्ट में, पंजाब हरियाणा और दिल्ली तीनों को मिला के एक पार्ट बना लिया, जैसे भी मतलब उनको कन्वीनियंट हो बड़ा पार्ट बनेगा क्योंकि पूरे कंट्री को 50 पार्ट में डिवाइड करना है। हर पार्ट का एक हेड बना देंगे चीफ कमिश्नर, भाई ये तुम्हारे अंडर ये एरिया रहेंगे चीफ कमिश्नर, अपने एरिया में कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना आपकी जिम्मेवारी है, आपके एरिया में कोई बड़े बड़े टैक्स इवेडर बैठे हुए हैं आपकी जिम्मेवारी है, कहीं पर रेड कंडक्ट करना वो आपकी जिम्मेवारी है। अब ये चीफ कमिश्नर क्या करेगा, अपने एरिया को तीन पार्ट में आगे डिवाइड कर दिया और तीन कमिश्नर्स लगा दिए, इन्होंने उनको बोल दिया कि भी अपने अपने एरिया पे ध्यान रखना, पंजाब के कमिश्नर तुम हो, हरियाणा के तुम हो, इसके तुम हो। फिर उस कमिश्नर ने आगे तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, तीन डिप्टी कमिश्नर लगा दिए कि भाई इस हिस्से के डिप्टी कमिश्नर, उन्होंने आगे तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया भाई इस हिस्से के तुम असिस्टेंट कमिश्नर हो, उन्होंने आगे डिवाइड कर दिया भाई इस हिस्से के तुम इनकम टैक्स ऑफिसर हो, साथ में उनके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होता है, जो लोएस्ट पोस्ट होती है वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होती है, ठीक है। और जैसे ही प्राइम मिनिस्टर ने इशारा किया, फाइनेंस मिनिस्टर ने आगे इशारा किया, इन्होंने आगे इशारा किया, एक दिन के अंदर वो पॉलिसी जो है पूरे कंट्री में इंप्लीमेंट हो जाएगी, सारा का सारा इनकम डिपार्टमेंट सारा एक्टिवली काम करेगा, सारे पीछे पड़ जाएंगे, उस चीज को इंप्लीमेंट करवा के दिखा देंगे एक दिन के अंदर। ऐसी जीएसटी के अंदर है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ये है दूसरा बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो डायरेक्ट टैक्स का इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, कोई सामान इंपोर्ट करेंगे कस्टम ड्यूटी कम ज्यादा करनी है उसको ये देखते हैं। तो ये भी रूल बनाते हैं, वो जीएसटी के रूल बनाते हैं, ये भी रूल बनाते हैं, ये इनकम टैक्स के रूल बनाते हैं। तो रूल हो और लॉ और एक्ट हो हमारे लिए की बात है, लेकिन हम रूल को बोलते हैं सबऑर्डिनेट लॉ और एक्ट को बोलते हैं सुप्रीम लॉ। सुप्रीम लॉ मीन्स लॉ गिवन बाय पार्लियामेंट, सबऑर्डिनेट लॉ मीन्स लॉ गिवन बाय समवन एल्स बाय टेकिंग पावर फ्रॉम पार्लियामेंट, ठीक है। तो रूल की बात क्लियर हो गई। अब यहां तक आप डाउट पूछ सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है आप पूछ सकते हैं इतने पार्ट तक। यहां तक कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में पूछ सकते हैं। आगे देखिए, पेज नंबर 93 पर क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट रिसीव्ड इन कनेक्शन विद बिजनेस और प्रोफेशन, गिफ्ट और परक्यूजिट, परक्यूजिट मतलब फैसिलिटी फ्रॉम क्लाइंट, सेक्शन 28, द वैल्यू ऑफ एनी गिफ्ट और परक्यूजिट वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और द एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशन शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन, इफ एनी पर्सन हैज रिसीव्ड एनी गिफ्ट और परक्यूजिट और बेनिफिट आइदर इन कैश और इन काइंड फ्रॉम एनी ऑफ हिज क्लाइंट्स इट विल बी कंसिडर्ड टू बी बिजनेस रिसिप्ट and shall be taken into consideration while computing income under that business profession. A doctor has received a gift of his 40,000 from one of his clients. In this case, he will be considered to be, it will be considered to be income under that business profession. Bas itna read kariyega. देखो अब इसका क्या मतलब है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपने क्लाइंट से 40,000 रुपए का गिफ्ट मिला, पूरे साल में एक ही गिफ्ट मिला है बस, आपके हिसाब से एग्जम्प्ट का टैक्सेबल, 50,000 तक तो एग्जम्प्ट होता है, तो एग्जम्प्ट का टैक्सेबल, तो हमारे हिसाब से तो एग्जम्प्ट बनता है। गवर्नमेंट कह रही है नहीं, हमने कहा क्यों, मुझसे गिफ्ट है ही नहीं, हमने कहा क्यों, मुझसे क्लाइंट है, आपका फ्रेंड तो नहीं है, रिलेटिव तो नहीं है ना। क्लाइंट का मतलब क्या है, आपने उसका काम किया होगा, गिफ्ट का मतलब क्या बना, आपने अपना जो काम किया था पैसा नहीं लिया होगा, उसने वही पैसा गिफ्ट करके दे दिया,
तो बिजनेस या प्रोफेशन में किससे पैसा मिले, तो मान के चलो वो गिफ्ट हो ही नहीं सकता। जो हमने काम किया था हमने उसका पैसा नहीं लिया, उस बंदे ने वही पैसा गिफ्ट के नाम से दे दिया, या हमने उसको कह दिया कि भाई तू ये हमारी प्रोफेशनल फी कह के मत देना, टैक्स हो जाएगी। तुम्हारा क्या जा रहा, कह दो गिफ्ट है। उसने कहा ठीक है जी, ये लो, कह दिया गिफ्ट है। बेसिकली ये प्रोफेशनल फी है भाई। फ्रेंड से गिफ्ट मिला, फ्रेंडशिप है, बात समझ में आ रही है। रिलेटिव से मिला, समझ में आ रही है। जानना पहचान, बिना मतलब गिफ्ट मिला, कैसे मिला? देयर इज सम हिडन कंसिडरेशन नॉट विजिबल। व्हाट इज दैट हिडन कंसिडरेशन? यू हैव डन सम वर्क एंड यू हैव नॉट टेकन द पेमेंट। प्रिजम्पशन है, हम नहीं मानते। प्रोफेशनल फीस है, बिजनेस प्रोफेशन हट के इनकम टैक्स हो जाएगा। एम्प्लॉयर ने दिया तो सैलरी एड, बिजनेस प्रोफेशन के कनेक्शन में आया तो बिजनेस प्रोफेशन एड, और इन जनरल फ्रेंड ने दे दिया तो फिर अदर सोसाइटी एड। एक डॉक्टर है, उसको पेशेंट ने गिफ्ट दिया 40,000 का। सोच के देखो क्यों दिया होगा। डॉक्टर ने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया, पैसा कुछ भी नहीं लिया, बहुत कम लिया, तो पेशेंट ने कहा ये लो गिफ्ट के नाम पे, यानी ये वही पेमेंट है। आप एक चीज रियल लाइफ में कभी नोट कर लेना, अगर आप कहीं से भी किसी भी टाइप की सर्विसेज लोगे या गुड्स परचेज करोगे, आप कभी नोट कर लेना, जब आप सर्विसेज लेके आओगे तीन में से एक बात आपके माइंड में 100% चल रही होगी। कभी चेक कर लेना, नंबर वन कि भाई इस बंदे ने जैसा हमारा काम किया ना वैसा ही पेमेंट ले लिया, मैटर इज ओवर, वी आर हैप्पी भाई, जैसा काम किया उतना पेमेंट तो बनता है। नंबर टू, अरे काम तो कुछ भी नहीं किया, पेमेंट इतना सारा ले लिया, हमसे चीटिंग की है, हम तो छोड़ेंगे नहीं, मौका मिला लाइफ में तो पैसे रखवा लेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि लगता है यार काम तो कुछ भी नहीं किया, इतना पैसा ले लिया। तीसरी फीलिंग, अरे काम इतना कर दिया और पैसा कुछ भी नहीं लिया, ये तो आप पर्सन बहुत अच्छा है। फिर इसके आगे फीलिंग आती है कुछ लोगों में कि भाई देखो हम तो किसी का एहसान लाइफ में रखते नहीं है, जब मौका मिलेगा तो गिफ्ट कह के पैसा उसको दे देंगे। जो तो लाइफ में एहसान रखने वाले होते हैं उनकी तो फीलिंग ये होती है कि काम इतना अच्छा कर दिया पैसा कुछ भी नहीं लिया, बेवकूफ है, या चलो वी आर हैप्पी। और जो लोग लाइफ में किसी का एहसान नहीं रखते वो फिर सीधा बोलते हैं कि भाई देख जितना तूने काम किया था पैसा कम लिया, बैलेंस पेमेंट तेरा ये पकड़। हमारा तो लाइफ का प्रिंसिपल है, हम किसी का एहसान नहीं रखते। जो एहसान करेगा कल को वो आपसे डिमांड भी कर सकता है, कि जो एहसान करेगा वो कभी भी डिमांड करेगा। तो कभी लाइफ में किसी का एहसान मत लो, हिसाब साथ साथ बराबर कि भाई ये पकड़ तेरे है, तू रख हमारे हमारे, तो वो तू रख मतलब गिफ्ट की शेप में आएगा कि डॉक्टर साहब आपने ट्रीटमेंट इतना अच्छा किया, मैं समझता था आप 1,00,000 लेंगे, आपने तो ली 30,000, 70,000 का गिफ्ट ले लो मेरी तरफ से। ये मैं नहीं कह रहा, मतलब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, ये प्रिजम्पशन है हमारी, इसने इसे इनकम मान दिया। एक बार रीड करके देख लो आप। हाँ भी आप डाउट्स देखिए, फिर एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ सॉल्व करने के लिए, सारा पार्ट मिक्स करके यहाँ तक का। पहले किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। किसी के माइंड में कोई बात क्लियर नहीं है, कोई क्वेश्चन आ रहा है, आप बिल्कुल पूछ सकते हो। ठीक है, लिखो फिर एक क्वेश्चन। मिस्टर एक्स हैज रिसीव्ड a wristwatch valued ₹70,000 from his employer. From his employer,
बिसाइड्स सैलरी ऑफ रुपीज 60,000 पर मंथ, एम्प्लॉयर ऑल्सो पेड हिम कैश गिफ्ट ऑफ रुपीज 5,000. He has received cash gift from different persons rupees 1 lakh. On the occasion of marriage of his son, he has LTCG 112A rupees 60 lakh. He has agricultural income rupees 4,000. Compute his income and tax. Assessment year 22-23. ठीक है जी, बस सॉल्व करके देख लो आप.
Hungry, is anyone getting the answer?
हाँ जी ब्रिज, यहां तक किसी को डाउट? इतना पार्ट ठीक है ना? करेक्ट और नॉट करेक्ट? हाई करेक्ट? यहां तक करेक्ट और नॉट? सरचार्ज गलत है? रेट की अमाउंट? अमाउंट 67050 10%। ले लो, कैलकुलेटर रखा हुआ है। फाइनल बताइए, करेक्ट? चलो, डाउट्स पूछिए अभी यहां तक। हाई ब्रिज डाउट्स यहां तक आ जाइए, यहां तक प्लीज, जिसको भी डाउट है बोलिए। सर ये बी पॉइंट बस एक बार एक्सप्लेन कर दूं, बस ये डाउट इसके बेसिस पे करा है मैंने सॉल्व, तो थोड़ा सा आंसर गलत आ रहा है, इसको थोड़ा मैंने शायद गलत डिफाइन कर लिया। हाँ, बी का तो मैंने बता दिया, जिसकी मैरिज हो उसको गिफ्ट मिला है, उसकी उसको कब मिला है? पेरेंट्स को मिला है। हाँ जी, हमने मैरिज वाले पॉइंट में क्या डिस्कस किया था? गिफ्ट कब एग्जम्प्ट है? जिसकी मैरिज हो उसको मिले या किसी को भी मिले? जिसकी मैरिज है उसको मिले। इसमें किसको मिला है? फादर को। तो एग्जम्प्ट के टैक्सेबल? टैक्स। हमने कहा था जिसकी मैरिज है उसको मिले, मदर फादर या किसी और को मिलेगा तो टैक्सेबल है। जैसे सन की मैरिज है तो गिफ्ट सन को मिले। अब ये कैसे पता लगेगा कि किसको मिला? देखो, जो पैसे वाला लिफाफा है वो फादर के हाथ में दिया था, इस बात का क्या प्रूफ है? वो कहेगा सन के हाथ में दिया था। तो बेसिकली हम कैश की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं चेक की, ड्राफ्ट की, अकाउंट में किसके आया। मान लो गिफ्ट आया मुंबई से यहां पे और उन्होंने ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया अकाउंट के अंदर 101,000 फादर के अकाउंट में। अब ये कन्फर्म है फादर को मिला है, अब डिनाई नहीं कर सकते। और 101,000 सन के नाम में ट्रांसफर कर दिया जिसकी मैरिज थी, तो एग्जम्प्ट हो गया। कैश वाले का नहीं पता लगता, कैश वाले में तो हम कहते हैं इनको दिया है। और दूसरी बात, कैश वाला किसी को नहीं मिला, ना फादर को ना सन को, दिखाएंगे नहीं, बात ही खत्म होगी। अगर नहीं दिखाना तो दिखाओ ही मत, क्या प्रूफ है कि दिया था? दिखाना है तो क्या करो, कैश को इकट्ठा करके सन के अकाउंट में डाल दो, चाहे लिफाफा किसी को भी दिया हो।
तो सन को मिला है, लेकिन क्लास में तो साफ लिखा होता है किसको मिला है, बस उसी को मिला है। रियल लाइफ में कैश किसको दिया, क्या पता किसको दिया, फादर मदर सारे वो इकट्ठे करके सन डॉटर जिसकी मैरिज है उसके अकाउंट में डाल दो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑनलाइन आया है फिर तो पता लग जाएगा, ठीक है, दैट इज द मीनिंग। और देखो डाउट्स है और यहां तक जिसको डाउट है पूछिए, ठीक है। आगे देखिए पेज नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी। Property means the following capital structure they see, namely immovable property being land, building or both, sheer security, jewelry, archaeological collections relating to past ancient drawings, painting, sculpture, work of art, bullion, gold, silver in the form biscuit, etc. If any person receives gift of any other property, it will not be taxable. For example, motor car or planetary machinery or a watch or mobile phone, etc. Mr. X received mobile phone valued 70,000 from his friend. In this case, it will be exempt from income tax. Bas itna read kar lijiyega, phir discuss kar lijiye. देखिए अब इसका क्या मीनिंग है। गवर्नमेंट ने कहा भी कैश का तो टोटल अलग कर लेना 50,000, फिर मैंने कहा काइंड का अलग कर लेना और लैंड बिल्डिंग का अलग। काइंड और लैंड बिल्डिंग के लिए वर्ड यूज हुआ है प्रॉपर्टी, एक्ट में जो वर्ड यूज हुआ है प्रॉपर्टी, फिर प्रॉपर्टी को उन्होंने डिफाइन कर दिया प्रॉपर्टी इंक्लूड्स, प्रॉपर्टी इंक्लूड्स जो क्वेश्चन रीड किया क्या लिखा है, पहला ही पार्ट कह रहे हैं लैंड बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग तो इसके अंदर आएगा। इसके अलावा जो मूवेबल आइटम है, सारी मूवेबल आइटम नहीं आएंगी, जो लिखी हुई है वही आएगी। जैसे इसमें मोटर कार नहीं लिखी हुई, मोटर कार का गिफ्ट कर दो टैक्स नहीं होगा, मोबाइल फोन नहीं लिखा हुआ गिफ्ट कर दो टैक्स नहीं होगा, रिस्ट वॉच नहीं लिखी हुई गिफ्ट कर दो टैक्स नहीं होगा, प्लांट मशीनरी नहीं लिखा हुआ, फर्नीचर फिक्चर नहीं लिखा हुआ, तो सो मेनी आइटम जो लिखी नहीं हुई उसको टैक्स नहीं करना। क्यों नहीं लिखी हुई उसकी अभी बात करेंगे। पहला पॉइंट यह कि आपको याद करना पड़ेगा भाई, इनमें से किसी का गिफ्ट है तो टैक्स करना, इसके अलावा किसी का गिफ्ट है तो टैक्स मत करना। इसके अलावा वाली बातें क्यों नहीं है बात अभी करते हैं, एक बार रीड करेंगे द्वारा आप एक एक को याद कर लो। ये ध्यान रखना है कि इन्हीं का गिफ्ट टैक्स करना है और किसी का नहीं। देखो किस किस का, एक तो लैंड बिल्डिंग टैक्स कर देना, लैंड बिल्डिंग का 50,000 अलग देखना है, एग्रीगेट नहीं करना। इसके अलावा जितने भी आइटम है इन सबका 50,000 इकट्ठा देखना है, शेयर वगैरह का गिफ्ट, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन मतलब पुरानी आइटम, एंशियंट आइटम्स को बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल, ड्रॉइंग मतलब स्केच, कोई पिक्चर वगैरह बना रखी है, पेंटिंग्स, स्कल्पचर, वर्क ऑफ आर्ट और बुलियन, बुलियन होता है प्योर गोल्ड। इसके अलावा गिफ्ट दिया मान लो मोटर कार का, प्लांट मशीनरी का, वॉच का, मोबाइल का, टैक्स नहीं करना। अब देखिए इसका मतलब क्या बना। देखो लॉ मेकर को कहना चाहिए था भी कैश वाला, कैश के लिए वर्ड आया सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी या कैश एक ही बात है, सम ऑफ मनी टैक्सेबल है कैश टैक्सेबल, इसमें कोई डाउट नहीं। लैंड बिल्डिंग टैक्सेबल है इसमें कोई डाउट नहीं। इसके अलावा उनको कहना चाहिए था इफ देर इज एनी अदर मूवेबल आइटम इट विल ऑल्सो बी टैक्सेबल, डिफाइन करने की जरूरत नहीं थी। आप मूवेबल आइटम को कैसे डिफाइन करोगे, देर आर न्यूमरस मूवेबल आइटम्स 100 and 1000, तो बिना मतलब के कोशिश की गई डिफाइन करने की और उसमें मिस्टेक हो गई, सारी आइटम आई नहीं, इतनी सारी रह गई। करना क्या चाहिए था, देखो डिफाइन तब करो जब डिफाइन करने की जरूरत हो, जिस चीज को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है बिना मतलब के डिफाइन मत करो। हर चीज आप दुनिया में डिफाइन नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डिफाइन एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। तो लॉ मेकर ने को क्या कहना चाहिए था,
if there is any other movable item, it will also be taxable. No need to define. लेकिन उन्होंने define किया and result is before you कितनी सारी item रह गई हैं वो tax नहीं होगी. तो that is a clear mistake done in framing of the law. आप देखो misuse मैं करके दिखाता हूँ. मैंने एक person को 10 लाख रुपया gift किया. Gift करने से पहले मैंने पूछा कि 10 लाख का तुम क्या करोगे. उससे कहा जी मैं मोटर कार खरीदूंगा. तो अब देखो टैक्स प्लानिंग कैसे होगी. अरे मोटर कार खरीदोगे तो फिर तुम मोटर कार ही खरीद के गिफ्ट कर देता हूं, 10 लाख पे टैक्स देना बच जाएगा. मैंने किसी को 80,000 गिफ्ट कर दिया, मैंने पूछा क्या करोगे, उसने कहा मोबाइल फोन खरीदूंगा. लाओ मोबाइल फोन खरीद के दे देता हूं, एग्जम्प्ट हो जाएगा. तो इस तरह से तो ओपनली मिसयूज कर सकते हैं भाई. हर पर्सन पैसे का कुछ ना कुछ तो करेगा. जो करेगा पूछ लो वो आइटम लेके दे दो. अगर इस लिस्ट में हुई तो आपको टैक्स जाएगी. लिस्ट के बाद टू ए गुड एक्सटेंड मैनिपुलेशन हो सकता है. बट एनीवे जो एक्ट में लिखा है हम तो उसको फॉलो करेंगे. तो आप याद कर लेना, इसके अलावा टैक्स मत करना. अब रीड करके देख लो. हाउ डज अब डाउट्स. यहां तक इतने बार तक कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में. मैरिज पर गिफ्ट जिसकी मैरिज है उसको मिले, किसी और को मिलने पे एग्जम्प्ट नहीं है. मदर फादर को मिलेगा टैक्स हो जाएगा. लेकिन रियल लाइफ में कैश में तो पता ही नहीं लगता गिफ्ट किसको मिला. अगर ये प्रॉपर्टी में गिफ्ट है तो सॉरी ये प्रॉपर्टी शादी में मिले तो होगा उस पर टैक्स. शादी में मिले, ये जो लिस्टेड है, ये जो लिस्टेड प्रॉपर्टीज हैं, ये अगर शादी पे दें तो इस पे टैक्स लगेगा. ये कह रहे हैं जो लिस्ट बनी हुई है ये जो टैक्सेबल है, अगर मैरिज पे मिले, मैरिज पर एग्जम्प्ट है. ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज एब्सोल्युटली एग्जम्प्ट. कैश काइंड बोथ इन एनी मैनर. क्योंकि हमने कहा था क्या रीजन है, देखने में लग रहा होगा आपको कि ये तो मजे आ गए इतना कुछ वो है, लेकिन मैरिज कितनी बार होगी, पॉइंट ये है ना. तो गवर्नमेंट से हम तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जहां तक भी कोऑपरेट कर सकते हैं, जितना भी कंसेशन कर सकते हैं करेंगे. वैसे मैरिज पर जो ट्रेडिशन है इंडिया के, वो क्या ट्रेडिशन है, या तो कैश का है या ज्वेलरी का है. लैंड बिल्डिंग का ट्रेडिशन कम ही है. कोई पर्सन मैरिज के अंदर कन्वेंस डीड रजिस्ट्री नहीं लेके आता. लो जी शगन की रजिस्ट्री. फिर लेके फिर भी कोई लेके आए तो ले आए भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं. ट्रेडिशन तो इंडिया के अंदर ज्वेलरी या काइंड या कैश का ही है. बाकी लैंड बिल्डिंग भी कोई ले आए तो ले आए भाई, एग्जम्प्ट हो जाएगा बिल्कुल. क्योंकि आफ्टर ऑल मैरिज का गोम से भाई वो तो लाइफ में एक बार होना ठीक है, अगर गड़बड़ कर भी तो क्या है. लेकिन अब इसमें भी कुछ बच्चों का क्वेश्चन बन जाता है, सर कोई दो मैरिज करवा ले तो, तीन करवा ले तो. लेकिन मैंने कहा था भाई लॉ मेकर तो नॉर्मल के हिसाब से सोचते हैं. नॉर्मल कितनी होती है, नॉर्मल तो एक ही होती है. करवाने कोई छह करवा ले भाई, छह करवा के एग्जम्पशन तो ले लेगा. छह छह बीवियों को संभालेगा कौन. छह मिलकर जब मारेगी तो पता लगेगा. एनीवे देखो डाउट और देखिए क्वेश्चन इतने बार. चलिए ब्रेक करते हैं 10 मिनट का, फिर स्टार्ट. अभी नेक्स्ट पार्ट टिकअप करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पेज नंबर इज 91 क्वेश्चन थर्ड. पेज 91 क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट ए नोट ऑन टैक्सेबल गिफ्ट रिसीव्ड बाय एचएफ फ्रॉम इट्स मेंबर्स. इफ एनएचएफ रिसीव्ड एनी गिफ्ट फ्रॉम एनी ऑफ इट्स मेंबर्स
it will be exempt from income tax. One HUF has received cash gift of 10 lakh from one of the members. It will be exempt from income tax if HUF has given gift to the member. It will be taxable. Dekhi, please, part. Mr. X, brother, sister, father, mother, Mrs. X, son, daughter is one HUF. Kitne member ho? Religion Hindu hona chahiye. HUF ki property hai, let's see, 5 lakh rupay ki. Jaroor thoda har HUF ki property hogi. HUF hai, property nahi, aisa bhi ho sakta hai. Family to hai. Asset nahi mile parents se to koi baat nahi. Ya thode bahut mile hai. Ab ye jo individual member hai, apni apni earning alag alag karte hain. Alag alag earning hai, alag alag return hai, alag alag income hai. Wo separate hai, ye separate hai. Usme se ye wala member, he is a very rich member. इसने 50 लाख रुपए का गिफ्ट दिया HUF को, HUF को मतलब सारे मेंबर को कंबाइंड. हम इसकी बात कर रहे हैं, टैक्स होगा कि नहीं होगा. वैसे तो कोई भी पर्सन गिफ्ट रिसीव करे 50,000 से ज्यादा का तो टैक्सेबल, रिलेटिव को छोड़ के. रिलेटिव वाला तो सारा एग्जम्प्ट है. अब रिलेटिव तो एक ह्यूमन बींग दूसरे ह्यूमन बींग का हो सकता है, एक ह्यूमन बींग फैमिली का थोड़ा रिलेटिव हो सकता है. क्या हम रिलेटिव और फैमिली? मैं फैमिली का अंकल लगता हूं तो कोई बात नहीं बनी ना. तो वो तो ह्यूमन बींग टू ह्यूमन बींग रिलेशन बनेगा, फैमिली से तो हो ही नहीं सकता ना. तो इस फैमिली ने गिफ्ट रिसीव किया, लेकिन ये फैमिली कह रही है एक ही तो बात है, हमारा ही तो मेंबर है, तो रिलेटिव हो तो गया. उसे एक ही बात नहीं भाई, वो तो ह्यूमन बींग टू ह्यूमन बींग होना चाहिए. फिर बाद में गवर्नमेंट का चलो कोई बात नहीं, इसको इसी कैटेगरी में ले आते हैं. एब्सोल्युटली एग्जम्प्ट है तो क्या लिख दिया, HUF का कोई भी मेंबर अगर HUF को गिफ्ट देगा किसी भी अमाउंट का तो एग्जम्प्ट होगा. इसी बात को मैं दूसरे तरीके से बताता हूं. अगर मिस्टर एक्स ने गिफ्ट दिया है ब्रदर को तो बताओ एग्जम्प्ट के टैक्सेबल? एग्जम्प्ट. सिस्टर को, फादर को, मदर को, मिसेज एक्स को, सन को, सब एग्जम्प्ट है. ठीक है ना? तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई ये सबको अलग अलग 50 लाख डिवाइड बाय जितने मेंबर सबको दे तब भी तो एग्जम्प्ट था, तो इसलिए गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट कर दिया. लेकिन हम एक रिवर्स भी कर सकते हैं कि गवर्नमेंट को एग्जम्प्ट नहीं करना चाहिए था, इसको बल्कि ऐसा करना चाहिए था कि अपने आप गिफ्ट देता सबको. वे आउट था ना? इसने कहा मेरे पास ये वे आउट नहीं था, मैं ये नहीं कर सकता था. मान लो गवर्नमेंट कहे तुम ये कर सकते हो ना, ये कर लो, वो कहता मैं नहीं कर सकता. अब वो क्यों नहीं कर सकता, मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं. देखिए, आपका CA कंप्लीट हो गया, यू हैव बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, अच्छी खासी अर्निंग आपकी आ रही है, तो क्या आपके दिल में फीलिंग आएगी कि छोटे भाई को गिफ्ट कर दूं? कुछ आएगी ना? या सिस्टर को गिफ्ट कर दूं? किसको कर दूं? पहले किसको, बाद में किसको? बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है. भाई को दिया तो बहन नाराज, सारे काम अपने मुझसे करवाता था, गिफ्ट देने का नंबर आया तो भाई को दे दिया, लड़ता इसी से था. और सिस्टर को दे दिया तो भाई सारे सीक्रेट मैंने छुपाए. रोज बोलता था ये मत बताइयो, ये मत बताइयो, अब बताऊंगा सारी बात. ठीक है, दोनों को दे दिया. चलो अभी मैरिज वाली बात हटा देते हैं, अभी मैरिज नहीं हुई, अभी इतने मेंबर है. दोनों को दे दिया तो कोई और नाराज कौन? फादर को कितना बुरा लगेगा, ये अब इतना बड़ा हो गया कि हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है घर में, इतना बड़ा चार्ट अकाउंटेंट बन गया ये, खुद ही सब फैसले करेगा, डिसरेस्पेक्ट है तुम्हारी, कुछ देना था तो हमें देता, हम देखते किसको देना है. या फादर को दे दिया तो मदर नाराज, भागता हुआ आता था, खाना बनाओ मेरे लिए पहले, सारे काम छोड़ के खाना मैं बनाती थी, गिफ्ट उधर दे दिया. मदर को दे दिया, फादर नाराज, अच्छा तेरे लिए अर्निंग मैंने की, कैसे की मुझे पता है. सबको बांट दिया, सब नाराज अलग बैठे हुए हैं, देखो कितना चौधरी बना हुआ है, अपने आप ही फैसला कर रहा है, किसी कोई वैल्यू नहीं रही घर में. मतलब आपको HUF के हेड को देना पड़ेगा, भाई दिस इज द पार्ट फॉर द एंटायर फैमिली, और फैमिली का जो हेड है आपको जो करना है करो. इसमें रेस्पेक्ट भी उनकी बनी रहेगी और राइट भी यही है. तो गवर्नमेंट का भी ठीक है, यही तरीका है, चलिए हम ही मान जाते हैं, हम ही एग्जम्प्ट कर देते हैं. तो ये फिर क्लॉज कई सालों के बाद में आया था, स्टार्टिंग में ही था, ये बाद में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया कि बात सही है, जो फैमिली का हेड है ये उसी के पास जाएगा, पूरी फैमिली के लिए जाएगा,
इसलिए एचईएफ को अगर मेंबर से गिफ्ट मिलता एग्जम्प्ट है, अब रीड करके देखिए। मतलब एक राइट वे यही बनता है कि गिफ्ट जो है फैमिली का जो हेड है उसके पास दिया जाए फॉर द एंटायर फैमिली, अंडरस्टूड है। तो राइट वे यही बनता है, और अगर गवर्नमेंट इसको अमेंड नहीं करती वो टैक्स जाता, जबकि है सारी फैमिली मेंबर, इससे इसको चेंज किया। अब इसका रिवर्स कर दो, एचयूएफ की प्रॉपर्टी से किसी मेंबर को गिफ्ट मिला, एक पर्टिकुलर मेंबर, जैसे देखिए ये फैमिली है, एक्स है, ब्रदर सिस्टर फादर मदर। एक तो फादर की जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, मैंने कहा था दो प्रॉपर्टी होती है, एक तो सेल्फ एक्वायर्ड जो फादर ने खुद ने अर्न किया, एक वो जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है। सेल्फ एक्वायर्ड में किसी का कोई हिस्सा नहीं है, जिसको दो दो मत दो, कोई कंपेयर नहीं कर सकता। कॉमन प्रॉपर्टी में हिस्सा है, जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है उसमें हिस्सा है। मान लो किसी को फादर सेल्फ एक्वायर्ड से हिस्सा देने से मना कर दे, कुछ नहीं कर सकता, एचईएफ की प्रॉपर्टी से नहीं कर सकते। तो लेट्स सी, फादर ने एचईएफ की प्रॉपर्टी से इसको गिफ्ट दे दिया कि भी तुम्हारा सी इंटर दोनों ग्रुप एक ही बार में पास किए, ये लीजिए गिफ्ट आपके लिए। तो उसकी हम बात करें, दैट इज टैक्सेबल, ये लिखा टैक्सेबल। रियलिटी ये है कि गिफ्ट देना अलाउड ही नहीं है, क्योंकि वो सबकी कॉमन प्रॉपर्टी है। आप बताइए, सारी क्लास ने 100 रुपया कॉन्ट्रीब्यूट किया और कहा कि सर आप इसको लुक आफ्टर करना, तो क्या मेरी प्रॉपर्टी है, मैं किसी को भी उठा के उसमें से दे दूं? वो तो स्पेसिफाइड पर्पजेज है, उसके लिए खर्च होगी, कोई पर्सनल डिस्कशन तो है नहीं, और मेरी पर्सनल है, मैं जो मर्जी करूं। तो एचईएफ की कॉमन प्रॉपर्टी से किसी मेंबर को कोई भी गिफ्ट देना अलाउड नहीं है, वो तो जो एचईएफ के जो एक्सपेंडिचर है वो होंगे। तो जो यहां बात लिखी है टैक्सेबल है, बेसिकली तो गिफ्ट ही नहीं दे सकते, टैक्सेबल की बात कहां से आई? लेकिन अगर बाई चांस एग्जाम में क्वेश्चन दिया है तो हम क्या कहेंगे, टैक्सेबल है, जबकि रियलिटी है हम एग्जाम में ये आंसर नहीं लिख सकते, द क्वेश्चन इटसेल्फ इज रॉन्ग। How can HUF can give a gift? The paper setter should be asked for and he should explain why he has asked a wrong question. मतलब ये सब थोड़ा सा लिख सकते हैं, हमें तो कुछ ना कुछ आंसर देना ही है। तो फिर उस सेंस में बोल रहे हैं कि टैक्सीबल होगा। एक बार हिट कर दिए, इशूड ये मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है, उन्होंने फिर इसको टैक्सीबल किया होगा, एनी वे टैक्सीबल कर दिए। अब रीड करके देख लो, हम जब डाउट्स पहले यहां तक, इतने पार तक किसी को डाउट, इतने पार तक किसी क्वेश्चन में किसी को डाउट, कोई कंसेप्ट में डाउट, कोई और क्वेश्चन माइंड में आ रहा पूछिए। आगे देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 4, राइट ए नोट ऑन टैक्सेबिलिटी ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। इफ एनी पर्सन रिसीव एनी एसेट एज स्टॉक इन ट्रेड, इट विल नॉट बी टैक्सेबल एज गिफ्ट। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स इज ए डीलर इन गोल्ड, ही हैज परचेज गोल्ड फॉर ₹20 लाख, बट मार्केट वैल्यू इज ₹27 लाख। इन दिस केस शुड नॉट बी टैक्सेबल एज गिफ्ट, बिकॉज कॉस्ट शोन इन द बुक्स विल बी ₹20 लाख एंड एंटायर प्रॉफिट ऑन सेल शैल बी टैक्सेबल अंडर दैट डिस्पोजिशन। देखिए इसका क्या मतलब है, मेरी गोल्ड सेल परचेज की दुकान है, स्टॉक इन ट्रेड है, ज्वेलर रूम है, मैंने गोल्ड खरीदा 20 लाख में जबकि मार्केट वैल्यू 27 लाख है, तो हमने कहा था जी मार्केट से कम में खरीदोगे तो टैक्सेबल है डिफरेंस, तो कितना टैक्स होना चाहिए 7, बट गोल्ड से नॉट टैक्सेबल। जो आपने खरीदा वो स्टॉक इन ट्रेड है, मार्केट से कम में खरीद लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या रीजन है, अब मैंने खरीदा स्टॉक इन ट्रेड है तो नेचुरली मैं इसे बेचूंगा, और किसी ने खरीदा मैंने। अब आप कोई भी फिगर ले लो, हर तरह से जस्टिफाई हो जाएगा। लेट्स सी, मैंने इसे 30 लाख में बेचा तो 10 लाख मेरा प्रॉफिट बन जाएगा बिजनेस का, और ये पूरा का पूरा अमाउंट टैक्स हो जाएगा। वो जो 7 लाख का डिफरेंस था जो टैक्स नहीं किया था, अब टैक्स हो तो गया। अगर मैं मार्केट से कम में खरीदूंगा तो नेचुरली वो पार्ट कहां जाएगा, मेरी बिजनेस की इनकम में आ जाएगा, बेचूंगा तो मैं उसे मार्केट रेट पे,
या मार्केट से भी ज्यादा में बेचूंगा। तो अगर हम 7 लाख यहां टैक्स कर दें फिर 10 लाख यहां टैक्स कर दें तो 7 लाख डबल टैक्स हो जाएगा। और बिजनेस का तो मतलब ये होता है कम में खरीदो ज्यादा में बेचो, अगर कम में खरीदने पर गिफ्ट बन गया फिर प्रॉफिट कहां हुआ। इसलिए गांव से जो बिजनेस कर रहे हैं ना उनके ऊपर एक क्लॉज नहीं लगाना, अपने आप टैक्स हो जाएगा। खरीदो मार्केट से कम में खरीदो, बेचोगे तो मार्केट रेट पे, या मार्केट से ज्यादा में बेचोगे अपने आप प्रॉफिट टैक्स हो जाएगा। अगर माल को मान लो मार्केट से कम ही बेचा 25 में बेचा तो नेट प्रॉफिट 5 लाख ही तो हुआ, 5 लाख टैक्स हो गया, जितना बेनिफिट था सारा टैक्स हो गया। इसलिए स्टॉक इन ट्रेड के ऊपर ये कंसेप्ट लग ही नहीं सकता। लेकिन मैंने गोल्ड खरीदा घर के लिए 27 लाख वाला 20 लाख में, अब ये डिफरेंस 7 लाख टैक्स हो जाएगा एज ए गिफ्ट। फिर कभी मैं आगे चल के बेचूंगा उस गोल्ड को, फिर ये कैपिटल गेन के चैप्टर में चला जाएगा और वहां जाके इसकी टैक्सेबिलिटी आएगी। तो कैपिटल गेन का सिस्टम कुछ और होता है, वो कैपिटल गेन के चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या सिस्टम होता है। तो अभी एक बार आप ट्रीट करके देख लो बिजनेस के अंदर ट्रीटमेंट क्या है। अब देखिए थोड़ा कैपिटल गेन का भी हिंट देता हूं, कैपिटल गेन में क्या सिस्टम होता है। अगर किसी को भी कोई एसेट मिला है जितने में खरीदा गया है वो उसकी कॉस्ट है, 20 लाख में खरीदा 20 लाख आपकी कॉस्ट है, लेकिन जब आपको एसेट मिला था उस समय उससे कनेक्टेड कुछ अमाउंट गिफ्ट बनके टैक्स हुआ था तो वो अमाउंट भी आपकी कॉस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। तो यानी आपकी कॉस्ट कितनी ली जाएगी, 20 प्लस जितना गिफ्ट में टैक्स हुआ था 7, 27, इसके ऊपर का जो प्रॉफिट आएगा वो कैपिटल गेन में जाके टैक्स हो जाएगा। लेकिन हम कैपिटल गेन को भी मिक्स नहीं करें, वो मैं कैपिटल गेन के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास सिर्फ बिजनेस फैशन का पार्ट है गिफ्ट के अंदर, वही डिस्कस करेंगे हम। जब कैपिटल गेन में जाएंगे तब वहां डिस्कस करेंगे इस बात को, ठीक है। इसको देख लो आप गिफ्ट, ये स्टॉक इन ट्रेड वाले पार्ट में किसको डाउट है। आगे एक क्वेश्चन भी देख लो MTP नवंबर 20 का। From the following transactions relating to Mrs. Natasha, determine the amount chargeable tax in her hands. Assessment year 20. Your answer should be supported by region. 1/1/22 being her birthday, received gift 40,000 by means of a check from her father's maternal uncle. तो आपको बताना taxable है कि exempt है। कितना स्टूडेंट लगता है taxable है, कितने स्टूडेंट लगता है एग्जम्प्ट है। देखो दो बातें हैं, एक तो पहले अमाउंट देख के डिसाइड करना है। अगर एग्रीगेट 4,000 क्रॉस करेगा तब टैक्सेबल है, वो हमें और चेक करना पड़ेगा, और गिफ्ट है तो मिला के चेक करेंगे। लेट्स व्यू मोर कोई गिफ्ट नहीं है, यही है तो 40,000 ही बता देगा कि एग्जम्प्ट है, 50,000 क्रॉस ही नहीं किया, आगे चेक करने की जरूरत नहीं। लेट्स ये 60,000 है तो अमाउंट के हिसाब से टैक्सेबल है, अब रिलेटिव चेक करना पड़ेगा रिलेटिव की लिस्ट में है कि नहीं है। तो अगर मैं कहता हूं ये एक ही गिफ्ट है तो सीधा आंसर है एग्जम्प्ट है, बिकॉज फिगर इज नॉट क्रॉसिंग 50। मैं कह रहा हूं 60,000 है, एक ही गिफ्ट है, तो अब आपको चेक करके बताना है क्या ये पर्सन रिलेटिव की लिस्ट में है या नहीं है। चेक करिएगा क्या लिखा है, फादर्स मेटर्नल अंकल, तो ये उस लिस्ट के अंदर नहीं था, तो 60 है तो टैक्सेबल है, ठीक है, और 40 है तो एग्जम्प्ट है। आगे चलिएगा 12/5/22 she acquired a vacant site from her friend for 132. Stamp valuation authority has fixed the value of site at rupees 2 lakh for stamp duty purpose. देखिए 2 लाख स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, हमने 132 में खरीदा, ये तो क्लियरली टैक्सेबल है, तो डिफरेंस अमाउंट 68,000 टैक्सेबल है। शी बॉट 50 इक्विटी शेयर्स ऑफ ए प्राइवेट कंपनी फ्रॉम अदर फ्रेंड फॉर रुपीज 75,000. Fair market value of the shares on the date of purchase was 1,33,000. ये भी clear cut case है और taxable है। एक बार read करके देख लो, solution भी read कर लो,
कैसे आपको आंसर लिखना है, रीडिंग लेके देख लेंगे। है भी डाउट्स यहां तक, इतने पार्ट तक डाउट। देखिए पेज नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 7। एक्सप्लेन taxability of scholarship oblique award oblique reward section 10 bracket 16 any scholarship received by a person for meeting the cost of education shall be exempt from income tax award reward tax section 10 bracket 17a any award or reward whether in cash or in kind issued by central government or state government shall be exempt from income tax similarly any private award or reward shall be exempt from income tax if approved by the central government itna part read kar lijiye ab dekhiye please iska meaning kisi student ko agar scholarship milta hai तो देखिए कंफ्यूजन गिफ्ट में आएगा कि नहीं आएगा, एग्जम्प्ट होगा या टैक्सेबल होगा। लेट्स सी 70,000 है, 50,000 से ज्यादा है, तो गवर्नमेंट से हम इसके लिए स्पेशल प्रोविजन बना देंगे। अगर स्पेशल प्रोविजन बन जाएगा तो जनरल प्रोविजन नहीं लगेगा, और स्पेशल प्रोविजन बनाया सेक्शन 10 ब्रैकेट 16 में एंड गो से एब्सोल्युटली एग्जम्प्ट है, जितना मर्जी अमाउंट एग्जम्प्ट है, बिकॉज इन जनरल तो ज्यादा अमाउंट होता नहीं है स्कॉलरशिप। और दूसरी बात, स्कॉलरशिप किस बात के लिए मिलता है, फॉर डूइंग लॉट ऑफ वर्क। बहुत स्टूडियस जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को मिलेगा, और एजुकेशन परस्यू करने के लिए मिलेगा, तो उसे किसी भी हालत में आप टैक्स नहीं कर सकते। तो यानी स्कॉलरशिप के ऊपर ये प्रोविजन नहीं लगेंगे, एब्सोल्युटली एग्जम्प्ट कर देगा जितना मर्जी अमाउंट हो। इसी तरह से कोई रिवॉर्ड है, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया या स्टेट गवर्नमेंट दिया, तब एग्जम्प्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट से मान लो किसी ने बड़ा अच्छा काम किया, हमने उसे रिवॉर्ड दिया भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड, दादा साहिब फाल्के अवार्ड, उसे 5,00,000 कैश भी है, और देने के बाद जब वो जाने लगा तो हमने कहा रुक जाओ टैक्स निकालो, तो कोई बात नहीं बनी ना। इससे गौर से वो हम टैक्स नहीं करेंगे, सेक्शन 10 ब्रैकेट 17 ए स्पेशल एब्सोल्युटली एग्जम्प्ट है। इनकम टैक्स हमारा है, हमारी मर्जी, हम नहीं लेते। स्टेट गवर्नमेंट ने कहा जी हमारा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा चलो तुम्हारे लिए भी एग्जम्प्ट कर दिया, तुम भी किसी को दोगे वो भी एग्जम्प्ट है। अब कुछ बड़ी बड़ी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने कहा, तो गौर से भी पूरी स्कीम अपनी सबमिट करो, कैसे आप सेलेक्ट करते हो, कैसे देते हो, अगर हमें लगा जेन्युइन है, अच्छा है, प्रेस्टिजियस है, आपको स्पेशल एग्जम्पशन देंगे हम, और आपका भी एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो प्राइवेट में जिसकी जिसको परमिशन मिली है गवर्नमेंट से उसका एग्जम्प्ट है, स्टेट का सेंटर को सारे एग्जम्प्ट है। अब रीड करके देखें,
देखिए पेज नंबर 100 पर एग्जाम का एक क्वेश्चन देखिए, पेज 100 के बॉटम पर मई 11 का क्वेश्चन, द फॉलोइंग डिटेल्स हैव बीन फर्निश्ड बाय मिसिज एक्स, 100 नंबर पेज पर मई 11 का क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डिटेल्स have been furnished by Mrs. X pertaining to the year ended 31/3/22. Cash gift of 51,000 received from her friend on the occasion of her Shastriyapatha Purthi, a wedding function celebrated on her husband completing 60 years of age. This was also 25th wedding anniversary. So, pehle aap ye bataiye, 51,000 ka gift taxable ke exempt. कितने स्टूडेंट को लगता है टैक्सेबल, कितने स्टूडेंट लगता है एग्जम्प्ट, कितने स्टूडेंट है जिन्होंने किसी में हाथ नहीं खड़ा किया, तो आपको नहीं पता लगा एग्जम्प्ट है कि टैक्सेबल है। मैरिज पर एग्जम्प्ट है, मैरिज फंक्शन पर नहीं। हस्बैंड की एज 60 इयर्स हो गई, इस बात को सेलिब्रेट किया जा रहा है, इस पर मिला गिफ्ट टैक्सेबल है, या वेडिंग एनिवर्सरी है टैक्सेबल है, ओनली ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज जम्प्ट है, ठीक है टैक्सेबल है। आगे देखिएगा, ऑन द अबव ओकेजन अ डायमंड नेकलेस वर्थ 2 लाख वॉज प्रेजेंटेड बाय हर सिस्टर लिविंग इन दुबई, 2 लाख रुपए का नेकलेस, डायमंड नेकलेस दुबई से आया है, इसी ओकेजन पर बताओ टैक्सेबल है या एग्जम्प्ट है, कितने सो लगता है एग्जम्प्ट है, यस बिकॉज इट इज फ्रॉम ए रिलेटिव, रिलेटिव वाले में तो अमाउंट देखना ही नहीं है। आगे देखिएगा, वेन शी सेलिब्रेटेड हर डॉटर्स वेडिंग 21/5/22 हर फ्रेंड असाइंड इन मिसिज एक्स फेवर, अब मैरिज पर गिफ्ट डॉटर को नहीं मिल रहा, मिसिज एक्स को दे दिया है, ए फिक्स डिपॉजिट बैंक की एफ डी हेल्ड बाय द साइड फ्रेंड इन शेड्यूल बैंक, द वैल्यू ऑफ एफ डी एंड द अक्रूड इंटरेस्ट ऑन सेड डेट वाज 51,000, उसकी फ्रेंड के नाम में 51,000 की एफ डी थी, उसने अपनी फ्रेंड के नाम में ट्रांसफर कर दी, तो 51,000 की एफ डी बताइए टैक्सेबल के एग्जम्प्ट, कितने सो लगता है टैक्सेबल। अब देखो इस क्वेश्चन में ना बस यही एक पॉइंट डिस्कस करने वाला है, देखिए कैसे, इन जनरल कोई भी कहेगा टैक्सेबल, लेकिन एक पर्सन ने कहा जी एग्जम्प्ट है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कहा एग्जम्प्ट है, और मैं इनकम टैक्स ऑफिसर को कन्विंस कर दूंगा कि एग्जम्प्ट है। देखो कैसे, वो कह रहे टैक्स करने के लिए या तो क्या हो सम ऑफ मनी, कैश, सम ऑफ मनी तो ये है नहीं एफडी है, या फिर ये हो प्रॉपर्टी मूवेबल या इमूवेबल, उस कैटेगरी में आ नहीं रही, लिस्ट हमारे सामने थी, तो जो कुछ भी टैक्सेबल है उस लिस्ट में ये आ ही नहीं रही तो एग्जम्प्ट है। अब किसी ने कहा क्यों, एफडी तो कैश होता है, अंडरस्टूड है, हमने कहा लॉ में अंडरस्टूड कुछ होता नहीं, उन्होंने लिखा सम ऑफ मनी, एग्जैक्ट वर्ड ये है, सम ऑफ मनी तो कैश को बोलते हैं, तो यानी ये क्वेश्चन फ्लो है, इसको रियल लाइफ में अगर आर्ग्यू किया जाए, मान लो 51,000 की है, मान लीजिएगा 51 लाख की है, फिर बहुत फर्क पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन फ्लो है, और क्वेश्चन फ्लो के अंदर पहली बात तो एग्जाम में आता नहीं है, कभी आ जाए तो आपको दोनों व्यू देने पड़ेंगे, आपको बताना पड़ेगा, पूरा डिस्कस करना पड़ेगा कि बैंक एफडी इज ए सम ऑफ मनी और नॉट इज कंट्रोवर्सियल, वन व्यू इज दैट इट इज नॉट ए सम ऑफ मनी, हैंस इट इज एग्जम, प्रॉपर्टी में तो आ ही नहीं सकती है, अदर व्यू इज इट कैन बी इंक्लूडेड इन द सम ऑफ मनी देन इट इज टैक्सेबल, तो दो तरह से आंसर निकालना है जो इसमें दिया हुआ है, लेट्स सी द पार्ट। अब इसके सॉल्यूशन में स्टार्टिंग पार्ट तो उसी का है जो पहले वाले हम डिस्कस किए ना, जहां से ये स्टार्ट होता है वहां से देखिएगा, therefore अच्छा थर्ड वाला देखिए, टू बी एग्जेम्प्ट, थर्ड वाला जो है ना वो डिस्कस करते हैं, फर्स्ट सेकेंड तो क्लियर है, टू बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम एप्लीकेबिलिटी सेक्शन 56-10 प्रॉपर्टी शुड बी रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ इंडिविजुअल, नोट दैट ऑफ इंडिविजुअल सन डॉटर, therefore this exemption provision is not restricted, एनी सम ऑफ मनी रिसीव विदाउट कंसिडरेशन माई इंडिविजुअली चार्जेबल टैक्स अंडर सेक्शन 56-10 एग्रीगेट वैल्यू एक्सीड 50,000 इन ईयर। सम ऑफ मनी यहां से कंट्रोवर्सी है, सम ऑफ मनी हैज हाउएवर नॉट बीन डिफाइंड, एक्ट ने यह बताया ही नहीं सम ऑफ मनी क्या होती है, तो हम तो डिक्शनरी मीनिंग लेंगे,
और डिक्शनरी जो है वो कैश को बताती है सम ऑफ मनी. देयरफोर देयर आर टू पॉसिबल व्यूज, मतलब क्वेश्चन फ्लो कौन कौन से व्यू. नंबर वन, द फर्स्ट व्यू इज दैट फिक्स्ड डिपॉजिट डज नॉट फॉल विद इन द मीनिंग ऑफ सम ऑफ मनी, देयरफोर प्रोविजन ऑफ 56(2) आर नॉट रिटेक्टेड, फिक्स्ड डिपॉजिट इज ऑल्सो नॉट इंक्लूड इन द डेफिनेट प्रॉपर्टी, मतलब ये एग्जम्प्ट हो गया. However, other possible view is that fixed deposit falls within the meaning of sum of money. अब ये टैक्स हो जाएगा. तो सोल्यूशन के अंदर देखो दोनों आंसर निकाले हुए हैं, तो एक बार आप रीड करके देख लो. मेन बात तो बस यही डिस्कस करनी थी, आप सोल्यूशन एक बार पूरा देख लो. हमने द्वारा देखे इस पार्ट को, एक्ट में लिखा है सम ऑफ मनी, या तो एक्ट डिफाइन कर दे सम ऑफ मनी इंक्लूड्स चेक ड्राफ्ट पे ऑर्डर एफडी एंड अदर बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट, ऐसे लिख दे, फिर ही आ जाएगा बीच में. अगर एक्ट डिफाइन ना करे तो हम कौन सा मीनिंग लेते हैं, डिक्शनरी में जो मीनिंग दिया हुआ है. डिक्शनरी के मीनिंग को अगर हम रेफर करेंगे तो इन जनरल एफडी बैंक एफडी उसके अंदर नहीं आएगी सम ऑफ मनी में. लेकिन अगेन वी कैन से कंट्रोवर्शियल, लेकिन रियल लाइफ में अगर केस हो तो कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट इसे कंट्रोवर्शियल नहीं कहेगा, वो अपने क्लाइंट की फेवर में लड़ेगा. वो कहेगा ये कहां है कंट्रोवर्सी, ये तो बिल्कुल क्लियर है, एक्ट में सम ऑफ मनी लिखा हुआ है, ये तो बैंक एफडी है, ये तो इसके प्रोविजन इसके लगेंगे ही नहीं, ये तो एग्जम्प्ट है. इनकम टैक्स ऑफिसर ये व्यू लेगा, क्यों, एफडी तो अंडरस्टूड है. फिर वही बात, अंडरस्टूड कुछ होता नहीं, मैं नहीं मानता, हम तो इसको सम ऑफ मनी मानेंगे, हम वो टैक्स करेंगे. डिस्प्यूट होने पर मैटर जाएगा कमिश्नर अपील्स की कोर्ट में, बताया था मैंने, कमिश्नर अपील्स की कोर्ट में. अब उनका क्या व्यू है, मान लो वो कहते हैं जी सम ऑफ मनी है टैक्सेबल है, या तो चुपचाप टैक्स दे दो या आगे अपील फाइल कर दो. अपील कहां फाइल होगी, इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल, बताया था ना मैंने, इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल पॉपुलरली कॉल्ड ITAT. There are two judges, one chartered accountant, one routine judge जो है LLB करके जुडिशरी में जो सिलेक्ट होकर आते हैं, दोनों मिलकर फैसला करेंगे. दोनों ने फैसला कर दिया सम ऑफ मनी टैक्सेबल, लेकिन देयर इज ए क्वेश्चन ऑफ लॉ, 51 लाख की FD है. We will say it is a substantial question of law, major matter है. Now we can go to the High Court. High Court इसे बहुत डिटेल में at length consider करेगा और फिर वो जजमेंट देगा. डिटेल्ड जजमेंट आएगा, वो जजमेंट क्या होता है अपने आप में लॉ पूरा लिखा जाता है, और आगे के लिए पब्लिक विल बी गाइडेड बाय दैट जजमेंट. उस केस का नाम लिख के केस को कोर्ट करेंगे, जैसे आपने फाउंडेशन में कुछ एक केसेस किए होंगे, कंपनी लॉ में भी केसेस किए होंगे. जब भी कोई केस आप कोर्ट करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है. इसका मतलब यह है, ये पॉइंट एक्ट में क्लियर ही नहीं है और इसको लेकर झगड़ा हो गया और कोर्ट ने अपना व्यू दिया. अब ये व्यू लॉ बन गया है, सबको ये फॉलो करना है. तो केस का बेसिक मीनिंग ये होता है. और अगर एक्ट में बात क्लियर है तो झगड़ा क्यों होगा भाई, फिर हम सेक्शन कोर्ट करेंगे, रूल कोर्ट करेंगे. डिस्प्यूट का मतलब ही है, ये पॉइंट क्लियर नहीं था. तो केस जब भी आप कोर्ट करते हो तो साथ में क्वेश्चन ऑफ लॉ कनेक्ट होना चाहिए आपका माइंड, कि अच्छा दिस वॉज वंस ए क्वेश्चन ऑफ लॉ, नाउ इट इज डिसाइडेड बाय द कोर्ट, या हम कहते हैं डिसाइडेड क्वेश्चन ऑफ लॉ, नाउ इट इज ए डिसाइडेड क्वेश्चन ऑफ लॉ, या जुडिशियल
प्रोनाउंसमेंट भी बोलते हैं उसको, डिसाइड क्वेश्चन ऑफ लॉ। इसको लेकर के, सम ऑफ मनी को लेकर के अभी कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ, इसका कोई केस नहीं आया। अब केस आने में भी कितना टाइम लगता है जरा वो भी देखिए। अगर आज पार्लियामेंट ने लॉ बनाया तो लॉ बनते थोड़ा डिस्प्यूट हो जाएगा, वो लॉ बनने के बाद 7-8 साल बाद हो सकता है डिस्प्यूट हो। डिस्प्यूट होने के बाद कमिश्नर अपील्स की कोर्ट में लगभग 1 साल लगता है, 1 साल वहां लग जाएगा। फिर ITAT में जाएंगे 4 साल वहां लगते हैं। फिर हाई कोर्ट में जाएंगे करीब करीब 10-15 साल हाई कोर्ट में लग जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे 10-15 साल सुप्रीम कोर्ट में लग जाएंगे। तो केस कब बनेगा? आज से 25 साल के बाद केस बन के आएगा। 25 साल पीपल विल रिमेन इन कंफ्यूजन। तो मान लो इसको लेके कोई केस चल भी रहा हो तो अभी क्या पता। या तो यह है कि कमिश्नर से अपील ने डिसाइड कर दिया, पर्सन ने आगे अपील फाइल ही नहीं की, फिर तो केस फाइनल हो गया, फिर तो वो कोर्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर अपील फाइल कर दी कोर्ट नहीं होगा फिर वो, फिर ITAT का वेट करना पड़ेगा। ITAT ने 4 साल में डिसाइड किया, आगे अपील फाइल ही नहीं हुई, फिर तो डिसाइडेड केस हो गया, केस डिसाइडेड बाय ITAT, केस डिसाइडेड बाय कमिश्नर अपील चलता रहेगा। अगर अपील फाइल हो गई फिर हाई कोर्ट बताएगा, हाई कोर्ट ने फाइनल किया सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की, फिर ये केस बन जाएगा डिसाइड बाय हाई कोर्ट। बहुत केस है जो हाई कोर्ट ने डिसाइड किया, लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल नहीं की, ये मान के कि हाई कोर्ट का जो व्यू है शायद यही रहेगा। लेकिन वोडाफोन के केस में हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि टैक्स देना पड़ेगा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं देना पड़ेगा। तो देयर आर चांसेस कि लोग सुप्रीम कोर्ट में जाए या ना जाए, डिपेंड करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो फिर तो डिसाइड होने में भाई 25 ईयर लग जाएंगे, फिर जाके पॉइंट क्लियर होता है। और फिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पार्लियामेंट रिव्यू करके देखती है कि कोर्ट ने सही जजमेंट दिया नहीं दिया, हमने तो नहीं बताया लेकिन आपने सही बताया नहीं बताया, नहीं सही नहीं बताया फिर दोबारा सही कर देंगे। जैसे वोडाफोन के केस में हुआ, इनकम टैक्स एक्ट को अमेंड करके क्लियर कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था वो बात पार्लियामेंट ने कहा हम नहीं मानते, हमारा व्यू ये है। तो ये पूरा पार्ट मैं आपको बता रहा हूं, एंड तक फिर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कहीं पर भी कोई भी सिचुएशन तो आप समझ जाओगे क्या मैटर है, कोई बोलने वाला बताने वाला क्या बता रहा है, क्या चल रहा है। नहीं तो केस वाली बात पूरी समझ में नहीं आती, केस मतलब क्या, बीच में कहां से आ गया ये, ठीक है। डाउट पूछिए आता इतने पार्ट तक, अब पहले किसी को डाउट? अब इसके अलावा तो इस चैप्टर में अब कुछ बचा नहीं। देखो कोई क्वेश्चन बचा है या सब हो गए? हो गए? कोई क्वेश्चन बचा है तो देखो पेज नंबर 89 से चेक कर लो एक एक करके। पेज 89 पे आइए, चेक करिए पेज 89 हो गया हमारा। उसके बाद 90, 91, 92 इलस्ट्रेशन तो आपको अपने आप घर पे ट्राई कर लेने हैं, सब सॉल्व हो जाएंगे, किसी में दिक्कत नहीं आएगी। 93 क्वेश्चन चेक कर लो, कोई रहा तो नहीं ना। 94 बस, बाकी क्वेश्चन सारे आप करेंगे। अच्छा, व्हाट अबाउट चेक? चेक सम ऑफ मनी है कि नहीं है? चेक को इन जनरल सभी लोग सम ऑफ मनी ही मानते हैं, कैश देना चेक देना, लेकिन कैश देना बैंक FD देना बात नहीं बनती। मैंने किसी को पेमेंट देनी 10 लाख की, मैं चेक दे दूंगा ले लेगा, कैश दे दूंगा ले लेगा, बैंक FD दूंगा शायद वो नहीं लेगा। तो कंफ्यूजन बैंक FD से है, चेक ड्राफ्ट पे ऑर्डर से नहीं है। चेक ड्राफ्ट पे ऑर्डर तो कैश ही माने जाते हैं। बाकी कोई डिस्प्यूट हो जाए तो दूसरी बात है, अभी तक तो उसको लेके कोई डिस्प्यूट हुआ नहीं। डिस्प्यूट का स्कोप जो है वो FD में है, बैंक FD में स्कोप है, चेक ड्राफ्ट पे ऑर्डर में स्कोप नहीं है। कोई करना चाहे जबरदस्ती तो कर ले कि जी चेक मिला मैं तो नहीं मानता, ये सम ऑफ मनी नहीं है, लड़ना चाहे कोई लड़ ले, ठीक है। और डाउट्स आप पूछिए यहां तक इस पूरे चैप्टर में, किसी डाउट? तो अगला चैप्टर आएगा हमारा एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में एडवांस पेमेंट टैक्स। ये पूरा चैप्टर आप कर लेना और अगला चैप्टर अगली क्लास में स्टार्ट करते हैं, एडवांस पेमेंट टैक्स। ओके, थैंक यू।